बेटा आप जीके के देखते हैं पास पेपर्स को, जीके के क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है? कल जो कराया था वो आज मैं नहीं करा रहा, ठीक है? उसके अलावा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखें, जीके थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन, आपको पता है यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, और दिस इज कॉल्ड ब्रेक्सिट जिसको हम कहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो था वो, जिसका फ्लैग इस तरह से होता है, तो यूके ने उसको मतलब अपनी कश्ती से अलग कर ली थी, मतलब अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट कर लिया था यूनाइटेड किंगडम ने, क्योंकि यूके को लगता था कि वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज को पाल रहे हैं, तो वो उसने अलग, ब्रेक्सिट जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन एग्जिट हो गए थे यूरोपियन यूनियन से। अब 2020 में तो होता जनवरी में, तो वह सिंपल है कि लास्ट डे ऑफ जो जनवरी था, लास्ट डे ऑफ जनवरी 31 जनवरी को रात के 12 बजे जैसे हुआ, तो उसी वक्त उन्होंने फैसला किया था, उन्होंने अनाउंस किया था कि नाउ वी आर लिविंग यूरोपियन यूनियन एट 12 o'clock एट नाइट एट 31 जनवरी 2020। ये फैसला हुआ था, ब्रेक्सिट जिसको हम कहते हैं, जो यूके था उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। नहीं बेटा, यूके अमेरिका नहीं है, यूके यूएसए होता है अमेरिका। यूके जो आपके पास है, मैं इतनी क्लासेस में आपको दे चुका हूँ कि सीएसएस की भी तैयारी में करा, तो इतनी जीके मैंने उनको भी नहीं दिया कभी, तो इतने केजू वालों को मैंने जीके की क्लासेस दे दी है, बचे ही कुछ नहीं है कि क्या चीज़ कराओ। तो यूके जो है ना, यूके एंड यूएसए इज़ अ डिफरेंट थिंग। यूके इज़ यूनाइटेड किंगडम, इट इज़ इन यूरोप। यूके इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ नॉट अ सिटी एज वेल। यूके इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, 4 countries। द नेम्स ऑफ कंट्रीज, फर्स्ट इज इंग्लैंड, द सेकेंड इज स्कॉटलैंड, द थर्ड इज वेल्स, एंड द नेक्स्ट इज नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉट द आयरिश रिपब्लिक आयरलैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। जो 4 countries मिलते हैं यूके तैयार होता है, तो यूके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 nations, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, 4 मिलते हैं तो यूके बनता है। यूके ने अपने आप को अलग कर लिया किससे, यूरोपियन यूनियन से, 31 जनवरी 2020 को। क्लियर है? और क्या वजह क्या थी, क्योंकि ये चारों कंट्री जो उसके अंदर है सारे डेवलप्ड है, और यूरोप के अंदर कुछ ऐसे कंट्री भी है ना जो कि पुअर यूरोप या पुअर कंट्रीज हैं, जैसे ज़्यादातर वो रशिया साइड वाले, यूक्रेन हो गया इस तरह से, यस बल्गारिया है, मैसेडोनिया, लेथविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, एंडोरा, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बट दे आर, मतलब आपने सुना भी नहीं होगा नाम इन सब के, इतने गरीब हैं। तो यूरोप को ऐसा लगता है कि यूके को लग रहा था कि हमारे पैसों में से उनको पैसे जा रहे, तो हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया कि अब हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे इन पुअर यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो वो ब्रेक्सिट कहलाता है, ठीक है? क्योंकि यूरोप, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने एक सिंगल करेंसी राइज की हुई थी पूरे यूरोप में, यूरो जिसको कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने अपना अलग रखा हुआ था पाउंड, आज भी वही है, ब्रिटिश कभी यूरोप में नहीं चली, वो हमेशा पाउंड उसने अपना अलग रखा है। विच इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन पाकिस्तान वॉज अटैक्ड बाई टेररिस्ट ऑन 29 जून 2020? यस, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो हमला हुआ था लास्ट ईयर 29 जून 2020 को। करंट अफेयर्स से भी चीज़ आ सकती है, मैंने बताया था, यस लास्ट ईयर हुआ था ना, 2020 में हुआ था, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था, 7 लोग आई थिंक के शहीद हुए थे, पुलिस वाले भी कुछ डेथ हो गई थी उनकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। तो 29 जून 2020 को जो अटैक हुआ था वो बड़ा मशहूर, मतलब कराची में जो रिसेंट अटैक था वो यही था, और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी दिनों से ऐसा कोई अटैक नहीं है। पहले तो हफ्ते हफ्ते के लिहाज से शेड्यूल बनना चाहिए था कराची में, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें आज से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आसिफ जरदारी एट दैट टाइम, तो वो तो ऐसा था कि हफ्ते हफ्ते बनता था कि आज इस हफ्ते यहाँ धमाका हो, अगले हफ्ते यहाँ धमाका हो, बट अब ये लास्ट धमाका था 29 जून 2020, उसके बाद से कोई अब तक ग्लास कराची के अंदर नहीं हुआ बड़ा, ठीक है? मतलब एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुए हैं, टेररिस्ट अटैक नहीं हुए, एक्सीडेंटली तो चीज़ें होती रहती हैं, पेट्रोल पंप पे ब्लास्ट हो गए, सब चीज़ें तो होती रहती हैं। आगे बढ़े, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसल्टेड हिज वाइफ्स ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ही टुक एडवाइस फ्रॉम हुम? जब सुलह हुदैबिया हुआ था
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौन सी उम्मातुल मोमिनीन से, हज़रत खदीजा वफात पा चुकी थी उस वक्त, सी हज़रत उम्मे सलमा से उन्होंने जो है वो एडवाइस ली थी अबाउट हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, हुदैबिया के मकाम पर ये हुआ था। तो हज़रत उम्मे सलमा वाज द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, जिनसे उन्होंने जो है वो सजेशन ली थी, एडवाइस ली थी। तो वो हमेशा अपनी वाइफ से कंसल्ट किया करते थे, मशवरा किया करते थे जब कोई भी फैसला करना होता था। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक। इस्लामिक नॉलेज भी मैंने आपको बताया, वैसे पहले भी लेक्चर्स दिए हैं, तो लाजमी उसको रिव्यू करते रहे। अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर स्टेट वॉज, 1941 में जब मरदमशुमारी हुई थी तो कश्मीर में मुसलमानों की आबादी कितने परसेंट थी? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 77%। 1941 में जब मरदमशुमारी हुई तो उस वक्त कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 77% थी। उसके बाद इंडिया ने मरदमशुमारी करवाई नहीं 1947 के बाद, क्योंकि वो करवाई भी तो गलत करवाई, उसमें ऑटोमेटिकली मुसलमानों का रेशो डाउन कर दिया उन्होंने कश्मीर के अंदर, जो 71% थे तो उससे वो 40% पे आ गए खुद ब खुद, ये नहीं पता कैसे। तो ये 41 का सेंसस पे हम लोग बार बार बात उठाते हैं कि 41 में जब अंग्रेज़ों ने कराया तो उस वक्त मुसलमान ज़्यादा थे, अब हिंदू ज़्यादा कैसे हो गए द कश्मीरी के अंदर। तो 77% थी आबादी, ठीक है, कश्मीर की मुसलमानों की आबादी। विच कंट्री ऑन 14 जुलाई 2020 हैज़ बैंड चाइनाज हुआवी एस जी इक्विपमेंट, किस कंट्री ने 14 जुलाई 2020 को चाइनीज मार्केट जो हुआवे के मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया? यस, अमेरिका ने किया था ऐसा, डी चाइना के दुश्मनी के लिए, इकोनॉमिकल इसको डाउन करने के लिए हुआवे के सेट्स को अमेरिका में बैन किया जा चुका है, मतलब हुआवे के सेट्स जो है अमेरिका में चलते नहीं है, ठीक है, हुआवे चाइनीज ब्रांड है। तो यहाँ उन्होंने एप्पल को बैन करके रखा हुआ है चाइना में, उन्होंने इकोनॉमिकल वॉर है। अक्साई चीन इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन विच टू नेशंस, अक्साई चीन का एरिया कौन से दो कंट्रीज के बीच में है, डिस्प्यूटेड है? चाइना और पाकिस्तान में तो डिस्प्यूट ही नहीं है भाई, चाइना एंड इंडिया। देखो जो कश्मीर का जो रीजन है ना, ये रीजन यहाँ मैंने मैप बनाया हुआ है, जरा इसको समझ लें। पाकिस्तान के साथ ये पूरा एरिया कश्मीर का एरिया कहलाता था किसी वक्त में, उसको तोड़ दिया गया अलग अलग पार्ट में, इसमें से एक पार्ट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहलाता है, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एरियाज मौजूद हैं, पाकिस्तान जिसके पास जो कश्मीर का हिस्सा है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट पूरा, ये जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एरिया इंडिया के पास है, इंडिया इंडियन फोर्सेज उसके अंदर होती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर जिसका कैपिटल है। अब इसी में चाइना के अंदर, अब क्या इसी के अंदर अब एक पार्ट लद्दाख है, लद्दाख चाइना ये क्लेम करता है कि लद्दाख का पार्ट जो है वो चाइना का है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है लद्दाख का पार्ट वो चाइना का है, लेकिन इंडियन फोर्सेज इसके अंदर है, वो कहते हैं ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है। जैसे हर कंट्री पूरा पार्ट अपना ही कहती है, इंडिया कहती है ये पूरा हमारा है, जो पूरा पूरा दिख रहा है, इसमें से कोई चीज़ किसी का नहीं है, जबकि पाकिस्तानियों ने इतना कब्ज़े में करके रखा हुआ है और चाइनीज़ ने ये पार्ट कब्ज़े में करके रखा हुआ है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, जिसमें चाइनीज़ फोर्सेज हर वक्त मौजूद होती हैं। तो वो इंडिया कहती है पूरा हमारा है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान का नाजायज़ कब्ज़ा है। पाकिस्तान सेम ये कहता है कि ये पार्ट तो हमारा है ही, साथ में ये पार्ट भी हमारा है जिस पर इंडिया ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन अक्साई चीन के बारे में पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा, चूँकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, वो कहता है चल ले ले भाई, टेंशन नहीं है। लेकिन इंडिया वाला पार्ट इंडिया को, ये वाला पार्ट इंडिया को नहीं लेते, जबकि ये पार्ट भी कश्मीर का ही है, बट चाइना ले सकता है उसको, क्योंकि दोस्त ही है, दैट्स ऑल, समझ गए। तो ये अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, अलग अलग पोर्शंस में कश्मीर बटा हुआ है। अक्साई चीन का एरिया किसके पास है? चाइना के पास। तो चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है, अभी जो लड़ाई हुई थी पिछले साल जो हो रही थी, मामला चला था चाइना बॉर्डर पर, तो वही मामला अक्साई चीन पर चल रहा था, मामला क्लियर है। अक्साई चीन का मामला डिस्प्यूट किस में है? चाइना इंडिया के बीच में। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएन के इस वक्त सेक्रेटरी जनरल कौन है? डी वेल्डन भाई, डी जिसने बताया, यस यू आर राइट, एंटोनियो गुटेरेस, ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और मुसलमान सिर्फ एक ही आए थे, ही वॉज कोफी अनान, कोफी अनान वॉज द ओनली मुस्लिम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सेक्रेटरी जनरल इज द हाईएस्ट पोस्ट इन यूनाइटेड नेशंस, अक्वामे मुत्तहदा के अंदर, और
युगांडा के थे, दैट इज़ जो कंट्री इनका था कोफी अनान का। उसके बाद बान के मून आए थे, बान के मून थे कहाँ के भाई, साउथ कोरिया के, देन एंटोनी गुटेरेस, ये इस वक्त जो है वो। इसके जो सबसे बड़े होते हैं ना, आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशंस सिंध बोर्ड में, उसमें आपने पढ़ा होगा सेक्रेटरी जनरल चीफ ऑफिसर होता है ये, सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा कोई नहीं होता, सेक्रेटरी जनरल सबसे बड़ा होता है। बाकी एड्स याद ना रखें। एंटामोलॉजी, एंटामोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज व्हाट, वो बनाया हुआ भी मैंने कीड़े मकोड़े बनाए हैं, तो इंसेक्ट्स की स्टडी एंटामोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी वालों को पता होना चाहिए, मेडिकल वालों को, एंटामोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी, कीड़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, हशरात के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उनका मुताला इंसेक्ट्स का एंटामोलॉजी कहलाता है। इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एंटामोलॉजी। गैलीलियो वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु डेवलप्ड, क्या किया था उसने, हुज़ैफा इज राइट, डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे काम किए थे, टेलीस्कोप भी बनाया था, गैलीलियो टेलीस्कोप जिसको हम कहते हैं, जुपिटर के चार सेटेलाइट, ये भी मैंने आपको बताया था, सोलर सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा था, जो है ना वो गैलीमेड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, ये चार मून्स को गैलीलियो ने डिस्कवर किया, और साथ में डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडोलम प्रोड्यूसेस अ रेगुलर टाइम मेजरमेंट, तो मूवमेंट ऑफ पेंडोलम पर भी उसने जो है वो अपनी थ्योरीज फिजिक्स की दी थी। तो गैलीलियो का ये सारा काम था, ए बी सी, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। गैलीलियो कौन था, गैलीलियो गैलीली पूरा नाम इसका था, इटालियन था, इटली से इसका ताल्लुक था, साइंटिस्ट था, और आखिरी उम्र में इसने जब जियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में के रद्द किया कि सूरज बीच में है और चांद उसके गिर्द घूम रहा है, सॉरी सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ये पहले ये थ्योरी चलती थी, तो गैलीलियो ने कहा कि नहीं, अर्थ जो है ना वो मूवमेंट में है, तो इसी गैलीलियो को कहाँ कैद कर दिया गया था, इटली में पीसा टावर में, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो टेढ़ी बिल्डिंग है ना, तिरछी सी, वंडर्स में शुमार होता है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा में उसको कैद कर दिया गया था। बाद में जो बादशाह था इटली का, उसने उसको बुलाया भी था गैलीलियो को, और कहा था कि तुम माफ़ी मांग लो और कह दो कि ज़मीन साकिन है, ज़मीन स्टेशनरी है और सन जो है वो गिर्द घूम रहा है, तो बड़ा मशहूर जुमला गैलीलियो ने कहा था, एंड येट इट मूव्स, एंड येट इट मूव्स, मतलब मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ज़मीन तो फिर भी घूमती ही रहेगी, अगर मैं कह भी तो ज़मीन साकिन है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो घूमती है तो घूमती रहेगी, मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ही वॉज अ ग्रेट मैन गैलीलियो, द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है। तो सनलाइट से क्या इंप्रूव हेल्थ होती है, अल्ट्रावायलेट रेस कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, यस डी ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन डी मिलता है ना सुबह सवेरे वॉक करने से, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सनलाइट लेने से क्या बेनिफिट। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वॉज ऑरिजिनली फॉर्म बाय, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कौन बनाएंगे, गल्फ कंट्रीज, गल्फ नेशंस, गल्फ नेशंस का मैंने आपको बताया था कि जो गल्फ है ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द पर्शियन गल्फ, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है ये, एंड दिस इज अरेबियन सी, और ये क्या है यहाँ पर कौन बताएगा, विच इज दिस, यस हुज़ैफा यू आर राइट, रेड सी, ये रेड सी है, और ये गल्फ पता है किसको क्या है, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ एडन, ये समंदर कौन से दिख रहा है पता है किसी को, यस दिस इज मेडिटेरेनियन सी, चलो मतलब मैप देख रहे हो घर जाके थोड़ा बहुत, मेडिटेरेनियन सी, और ये वाला समंदर पता है क्या आ रहा है ऊपर, यस कैस्पियन सी आ रहा है, नहीं कैस्पियन सी आ रहा है ऊपर से, ठीक है। कंट्री बता सकते हो कौन सा कंट्री होगा ये वाला, कौन सा कंट्री होगा ये वाला, यस दिस विल बी इजिप्ट, ये वाला कंट्री कौन सा होगा यहाँ पर, दिस विल बी इसराइल, इसराइल यहाँ पर है ना, इसराइल एंड पैलेस्टीन, और उसके साथ ये वाला कंट्री कौन सा होगा बता सकते हैं इसराइल के साथ, यस जॉर्डन, किसी वक्त में इसको ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था, ये कंट्री को बता सकते हैं कौन सा है, इट इज सीरिया, यस गुड, ये कंट्री बता सकते हो यार, गुड गुड, ये कंट्री बता सकते हो ऊपर, दिस इज टर्की, ये कंट्री बता सकते हो, हाँ दिस इज सूडान, वाह भाई गुड, ये कंट्री हॉर्न ऑफ
ये कंट्री, ये वाला पार्ट किस कंट्री का हो? हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कहते हैं, यस हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ओके दिस इज सोमालिया। अबे भाई तुम सीएसएस करो ना, तुम केजीओ को जा रहे हो, ठीक है। इस पेनिनसुला, चलो मुश्किल सा, इस पेनिनसुला को क्या नाम कहा जाता है? साइनाई पेनिनसुला, गुड, दिस इज साइनाई पेनिनसुला। पढ़ा है भैया सारा तुमने भाई, चलो मैं पूरा कर लिया तुमने, याद लग रहा है, दैट विल बी ग्रेट। चलो ठीक है, वैसे इतना आपको नहीं याद करना है। आप देखें कि ये जो पर्शियन गल्फ के आसपास जो कंट्रीज हैं जिसमें रेड मार्क्स किए हुए, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, दीज आर कॉल्ड गल्फ नेशंस, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है सारे ये। तो उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को कायम किया था, तो सर बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड यूएई, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये सारे गल्फ नेशंस हैं जिसके नाम लिखे गए ना, जिसके नाम पहले से लिखे हुए थे। मैं जो हुज़ैफ़ा ने बताया तो वो अलग अलग मैंने उसको लिखा हुआ है। चलो हुज़ैफ़ा ये कंट्री बताओ, ये कौन सी कंट्री है? दिस इज यमन। अच्छा चलो ये चीज़ तो, ये कौन सी कंट्री है यहाँ पर? हाँ दिस इज ईरान, आई यस दिस इज ईरान, यस यू आर राइट। दिस इज विच कंट्री, दिस इज विच कंट्री, दिस इज पाकिस्तान यार, ठीक है साथ में आ रहे हैं। चलो यार गुड, बहुत सारे बताए वैसे, पता होना चाहिए ये, मैंने बताया लास्ट वीक भी बताया था, वर्ल्ड मैप याद रख लो, 200 रुपये का आते घर पे लेकर पढ़ते रहो उसको, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसे जीके अच्छा खासा निकल जाता है आपके पास, मतलब अगर आपको ये पता है, मैप्स पता है। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पोर्शन भी है इस पूरे, कह लो कि इस पूरे वर्ल्ड मैप का, ज़्यादातर सिविल वॉर्स वगैरह यहीं पर चलते हैं, जितने मसाइल खड़े हुए सब ज़्यादातर यहीं पर खड़े हैं, ठीक है आज के दौर में। अरब स्प्रिंग लास्ट टाइम जो मैं आपको बता रहा था उसके अंदर भी। तो नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 31 मई 2020 लॉन्च्ड स्पेस फ्लाइट फ्रॉम इट्स ओन सॉइल आफ्टर ए डिकेड, द स्पेस क्राफ्ट वॉज बिल्ड बाय, अरे भाई क्या हो गया, 2020 में अपने सॉइल से उन्होंने जो है ना वो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया, वो स्पेस एक्स के थ्रू किया था, डी ऑप्शन, नासा ने नहीं किया था, नासा ने रोक दिया स्पेस फ्लाइट भेजना, उसके पास इतने फंड नहीं है अब, तो अब प्राइवेट कंपनीज के थ्रू फंड भेजा जा रहा है, तो वो स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है भाई, कौन है साहब, ये एलोन मस्क, टेस्ला मोटर के फाउंडर भी हैं, स्पेस एक्स के फाउंडर भी हैं, एंड नाउ ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, हैविंग द इकोनॉमी ऑफ $248 बिलियन, $248 बिलियन इनके पास है, फर्स्ट नंबर पे रिचेस्ट पर्सन दुनिया के हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर अभी हैं, पहले पेपाल के भी थे, ठीक है। स्पेस एक्स के थ्रू जो है वो भेजा जाता है, जितने भी आपने देखा होगा ना जो रॉकेट्स निकलते हैं उनमें स्पेस एक्स लिखा हुआ था ऊपर, नासा उसके साथ कोलैबोरेट करके भेजता है, मतलब अब लोगों के पास पैसे, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो गए, लोगों के पास बढ़ने शुरू हो गए, जैसे कि एलोन मस्क के पास इतना पैसा है कि पूरा अलग कंट्री बना सकते हैं अपना। ये बुक रिटन बाय सर सैयद अहमद खान टू बी रीड स्पेशली बाय द वायर, जला पाकिस्तान सही पढ़ा तुम लोगों ने, यह असबाब बगावत हिंद, तो उसमें उन्होंने बताया था अंग्रेज़ों को कि भाई हमारी वजह से जो है वो बगावत नहीं हुई थी, हमने बगावत नहीं थी, वो कोई और लोग थे, हम आपके लॉयल मोहम्मडंस हैं, मतलब हम आपके जो है वो वफादार हैं, ठीक है। तो इस किताब में असबाब बगावत हिंद में उन्होंने बताया था कि बगावत की असली वजह क्या थी, ताकि अंग्रेज़ों की सारी सहूबतें मुसलमानों पर सिर्फ ना आए, हिंदुओं पर भी कुछ जाए, तो हिंदू भी इन्वॉल्व थे बगावत के अंदर, ताकि हिंदू इसको एडमिट नहीं करते थे, तो चुप से सारे पर्क्स वो लेते थे ब्रिटिश के। सर सैयद ने पहली बार इस चीज़ को उभारा था, सर सैयद अहमद खान द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री। बेटा लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, असरार सनादीद और वॉयज ऑफ मॉडर्निज्म, ये सारे सर सैयद अहमद खान की किताबें, चार दीज ऑल बुक्स आर, फोर बुक्स आर रिटन बाय सर सैयद। इसके अंदर वो किताब जिसमें उन्होंने स्पेशली रीड स्पेशली बाय द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसको स्पेशली उन्होंने ब्रिटिश के लिए ही लिखा था, वो था असबाब बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई हमने जो है वो बगावत नहीं की थी 1857 में, 1857 में, तो ये उनके लिए लिखे थे, तो बी ऑप्शन है, वरना सारी किताबें ही इनकी है, सर सैयद अहमद खान की। द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वाज टैशी, यस ए लॉर्ड ए ह्यूम, लॉर्ड ए ह्यूम वाज द पर्सन जिन्होंने 1885 में क्या कांग्रेस का क्याम किया था,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ही इज़ लॉर्ड ए ह्यूम। मुस्लिम लीग का क्या उसने किया था? ए के फजलुल हक ने किया था। और एयर क्या था? 1906 में ए के फजलुल हक ने इसका क्याम किया था। और कांग्रेस का क्याम 1885 में ए ओ ह्यूम ने, या लॉर्ड ए ओ ह्यूम ने किया था इसको। ठीक है, तो ये कांग्रेस का क्याम किया और ए के फजलुल हक ने मुस्लिम लीग का क्याम किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब अलग अलग ब्रेक्स हो चुके डिफरेंट डिफरेंट और क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? बड़ा सिंपल यार, चाइना। चाइना की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इंडिया को ये कहा जा सकता है कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अगर ये एमसीक्यूज में है कि विच इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड, तो उसका आंसर हो जाएगा इंडिया। बट अगर पॉपुलेशन की जाए तो चाइना के ज़्यादा है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कम्युनिज्म है, वहाँ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हमेशा वही, उसी का रूलर आता है, अलग अलग पार्टीज नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं है चाइना। लेकिन डेमोक्रेसी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया की है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस जो होते हैं ना वो इंडिया में ही होते हैं। चूँकि चाइना में इलेक्शंस होते नहीं, ज़रूरत ही नहीं इलेक्शंस की, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। तो इलेक्शंस के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का इंडिया है, सबसे बड़े इलेक्शंस उसके अंदर होते हैं। उसके मतलब किस कंट्री के सबसे ज़्यादा? पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा नहीं है। वो कंट्रीज जिनमें इलेक्शन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री इंडिया है। चाइना में इलेक्शन होते नहीं है, वहाँ तो जस्ट इलेक्शन हो जाते हैं। पाकिस्तान में 20 साल सिलेक्शन ही हुई इस बार। चलता है, इतना चलता है। चलो भाई लगा दो बैंड मेरे चैनल पे, मसला नहीं है। करम हाईवे कनेक्ट्स विद पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है करम हाईवे। अच्छा, स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखें। शुरू पाकिस्तान में कहाँ से होती है? करम हवेलिया से स्टार्ट होती है। हवेलिया इज़ इन पंजाब। हवेलिया एक इलाका है, हवेलिया से स्टार्ट होके चाइना में जाती है सिंग कियांग तक। इसको सिंग कियांग पढ़ते हैं, सिंग जियांग लिख रहे होते हैं, सिंग कियांग तक जाती है। तो पाकिस्तान में हवेलिया से शुरू होती है और सिंग कियांग तक जाती है। तकरीबन 700 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है, तो वो काफ़ी जगहों से गुजरती है। तो ये पासू कौन से यहाँ पर दिख गुजर रही है, ये करम हाईवे जा रहे हैं यहाँ से, और दीज आर द ब्यूटीफुल पासू कौनस इन नॉर्दर्न एरियाज। आई थिंक हुंजा के इलाके में शायद ये है। ठीक है, पासू कौनस पाकिस्तान टूर में लोग जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं इसकी। तो बड़े और मोस्ट डेंजरस रूट भी कहा जाता है इसी को, करम हाईवे को, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड। क्योंकि बड़ी ज़्यादा खाइयाँ वगैरह सब बहुत हैं करम हाईवे में। सिल्क रूट इसी को पहले कहा जाता था, सिल्क रूट, शराय रेशम। हज़ारों सालों से ये रास्ता चल रहा है, सिल्क रूट, और मोस्ट डेंजरस रूट। इसी के बारे में हफीज़ जालंधरी ने लिखा है, एक शेर लिखा है, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने दिया था, कि ना इसमें घास उगती है ना इसमें फूल खिलते हैं, मगर इससे सर ज़मीन व आसमां भी झुक के मिलते हैं, करम हाईवे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उबल खाती हुई सड़कें इसकी हैं, मतलब अगर आप कभी जाओ तो आपका खून खुश्क हो, कि आप गिरे तो तब गिरे। ठीक है, तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये दोनों को मतलब कनेक्ट करती है आपस में। इंग्लिश चैनल बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज के बीच में? मैप से देखकर बता दे पहले। यस, इंग्लैंड एंड फ्रांस, डी ऑप्शन। इंग्लैंड और फ्रांस, इनके बीच में समंदर है ना, दिस सी इज कॉल्ड इंग्लिश चैनल, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। ये समंदर जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। अच्छा, इंग्लैंड के इस तरफ जो आयरलैंड की तरफ जो सी है उसका नाम है आयरिश सी, और जो नॉर्वे वगैरह की तरफ जो सी है उसको हम कहते हैं नॉर्थ सी। तो वो अलग अलग समंदर मतलब जो वो, लेकिन वो समंदर जो फ्रांस की तरफ है जो पार्ट है इंग्लैंड का, तो वो कहलाता है इंग्लिश चैनल, समंदर का नाम है या पोर्शन इंग्लिश चैनल उसको हम कहते हैं। दो कंट्रीज के बीच से पानी गुजर रहा हो तो उसको चैनल कहा जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंग्लिश चैनल, चैनल ऑफ वाटर है ये। ब्रेक्सिट किसे कहा जाता है तो पता ही है, आप अभी तो इतनी लंबी कहानी सुनाइए यार। बी है भाई,
एग्जिट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन से यूके का अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्सिट। तो बोरिस जॉनसन है ना, वो भी यूरोपियन यूनियन की उसको फिर तड़ी दे रहे हैं, मतलब कि हम अलग हो रहे हैं, मतलब लास्ट मोमेंट से। तो ये दिस इज द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन, दिस इज द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड यूके। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत मेन पार्ट है, ये मेन डिस्कशन है ब्रेक्सिट का होना। हम पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, बट इंटरनेशनली बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ थी दुनिया भर के लिए ब्रेक्सिट की न्यूज़। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ दोज कंट्री विच आर फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ व्हाट, दिस वाज एफ राइट। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन जिसको हम लोग कहते हैं दौलत मुश्तरका, वो कंट्रीज जो पहले कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, सल्तनत बरतानिया का हिस्सा थे और बहुत बड़े एम्पायर थे ब्रिटिश के, आपको पता माइटी ब्रिटिश एम्पायर थी। तो इस मैप के अंदर जहाँ जहाँ पर आपको ब्लू कलर दिख रहे हैं ना दुनिया के नक्शे में, तो पाकिस्तान इंडिया भी दिख रहा होगा, बाकी कंट्रीज भी, वो सारे कभी किसके अंडर में थे, यूके के अंडर में थे। तो इसलिए देखिए कैनेडा भी कभी यूके के अंडर में था, तभी मैंने बताया था कैनेडा के अंदर भी क्वीन एलिजाबेथ का ही राज है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये भी कभी ब्रिटिश के अंडर में ही था, तभी इनके फ्लैग के अंदर यूनियन जैक आपको मिलता है ना, यूनियन जैक। और इनके यहाँ भी जब शहीद होते हैं को तो विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है, विक्टोरिया क्रॉस तमाम ब्रिटिश एम्पायर वाले कंट्रीज़ में दिया जाता है। बाकी ये सारे अफ्रीका के भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर कभी ब्रिटेन का राज था, साउथ अफ्रीका के अंदर भी कभी ब्रिटेन का राज था, नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने फिर उसको, नहीं इजिप्ट में फ्रांस का राज था, फ्रांस इटली इजिप्ट के अंदर ब्रिटिश नहीं आई थी वहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो वो कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ नेशंस कहलाते हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। तो ब्रिटिश एम्पायर ने फिर क्वीन ऑफ एलिजाबेथ ने क्या किया था उनको, कि सबको मर्ज कर दिया कि आप सब हमेशा, पहले आप सब हमारे कंट्री का पार्ट थे, अब तुम अलग तो हो गए हो लेकिन आप सब अपनी कॉपरेशन एक साथ रखो ताकि आप पॉलिटिकली यूनाइट रहो। तो वो कॉमनवेल्थ नेशंस कहलाते हैं, मतलब पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ के अंदर है। 1972 में उसने छोड़ दिया था, चूँकि जब ब्रिटिश एम्पायर ने जब उसको बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था, तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया, ठीक है। विच कंट्री हैज़ नो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री का लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में मौजूद ही नहीं है, इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिटन फॉर्मेट में नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। जैसे रिटन फॉर्मेट से क्या मुराद है, जैसे हमारे जो है ना जो आईन ए पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोड नंबर्स है, कोड नंबर 2 आर्टिकल नंबर 15 है ना भाई, 58 भी अलग अलग कोड्स है ना भाई हमारे यहाँ, 17वीं तरमीम 18वीं तरमीम, तो अलग अलग पाकिस्तान के आईन के अंदर कोड्स हैं, लेकिन इंग्लैंड के अंदर कोड्स नहीं है, मतलब कोड फॉर्मेट में नहीं, कोडिफाइड नहीं है, वो रिटन फॉर्मेट में जैसे पैराग्राफ वाइज है। क्योंकि आपको पता है दुनिया का जो पहला आईन बना था ना वो इंग्लैंड में ही बना था, दैट आईन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा वॉज द फर्स्ट आइन जो 1215 में बनाया गया था, दुनिया का पहला आइन था, किंग जॉन ने उसको बनाया था, किंग जॉन एबट ऑफ कैंटरबरी में जिनकी डिस्कशन थी फर्स्ट ए की पोम एबट ऑफ कैंटरबरी में, किंग जॉन जो थे ना वो एक रियल किंग थे, किंग जॉन, उन्होंने पाकिस्तान दुनिया का पहला और इंग्लैंड का भी पहला आइन बनाया था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। और उसी मैग्ना कार्टा के अंदर उन्होंने किंग के जो पावर्स होते उसको क्या किया था, डाउन किया था, कि बादशाह की ताकत थोड़ी कम होगी और पार्लियामेंट की ताकत बढ़ेगी। तो उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर का फॉल हुआ था, मतलब बादशाहत के बाद बजाय डेमोक्रेसी आनी शुरू हो गई थी उसके अंदर। तो ये एक तरह से शुरुआत थी जमहूरियत की, कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड की मोनार्की की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक है इंग्लैंड के अंदर जो रॉयल फैमिली चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन किसका नहीं, इंग्लैंड का नहीं है, क्योंकि ये अपने एक हेरिटेज को फॉलो करके ना मैग्ना कार्टा को चला रहे हैं सिर्फ। Which country is hosting the next football World Cup? Yes, that is Qatar 2022. Qatar के अंदर होने वाला है भाई दूसरा फुटबॉल, जो अभी अपकमिंग फुटबॉल वर्ल्ड कप आएगा, नेक्स्ट ईयर ही है। कतर ने बिडिंग की थी और बिडिंग में वो जीता था, और एयर कंडीशन्ड स्टेडियम्स उन्होंने बनाए, ठीक है, तो बहुत शानदार किस्म के। और कतर के पास ही, पिछले लेक्चर में भी बता रहा था मैं कि कतर के ही एक प्रिंस ने एक टीम ली हुई है जर्मन लीग की, बायर्न म्यूनिख। तो बायर्न जो टीम है, बायर्न मैं बता रहा था जर्मनी की सबसे फेमस टीम है लीग के अंदर, तो बायर्न जो टीम है वो कतर की ही है, कतर के किसी प्रिंस में, वो इतने पैसे इनके पास है कि बायर्न जैसी बड़ी टीम को पूरा खरीदा है उन्होंने,
क्योंकि फुटबॉल लीग्स को आम बंदा नहीं खरीद सकते इतने आराम से, बहुत महंगे होते हैं। रोनाल्डो से खरीदने जाओ तो पता नहीं छक्के पता इंसान के छूट जाएंगे, इतना महंगा है मैसी रोनाल्डो ये लोग, ठीक है प्लेयर पूरे PSL खरीदा जाएगा, आपको रोनाल्डो नहीं खरीदा जाएगा, पूरा IPL पूरा PSL पूरा BPL का सारा प्लेयर खरीद के एक तरफ कर लो ना तब भी रोनाल्डो को आप नहीं खरीद सकते इतना महंगा प्लेयर है वो। ठीक है, फुटबॉल के अंदर बहुत डिफरेंट रेट्स होते हैं प्लेयर्स के, बहुत महंगे मतलब बहुत पैसे हैं उसके अंदर। मतलब हम तो पाकिस्तानी हैं तो हमें क्रिकेट पसंद है इसलिए हम IPL PSL करते रहते हैं, यूरोपियंस को ये नहीं पसंद इतनी है। पाकिस्तान की फुटबॉल की है बिल्कुल है, नीचे से टॉप करती है लिस्ट में सबसे नीचे में गई पाकिस्तान की टीम का नाम आता है। क्योंकि पता है फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्या होता है, इसको जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक तो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसमें सिलेक्शन हो जाती है, जैसे वर्ल्ड कप में टीमों को आना है ना तो कोई क्वालिफिकेशन मैचेस नहीं होते, कोई क्वालिफाइंग मैचेस नहीं है, डायरेक्ट बस जिसने पैसे दे दिए मैच फीस दे दी आ जाओ तुम भी वर्ल्ड कप में आ जाओ। फुटबॉल में ऐसा नहीं है, आज अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है तो अगले दिन से क्वालिफाइंग मैचेस शुरू हो जाते हैं, अलग अलग उन्होंने कॉन्फेडरेशंस बनाई हुई है। पाकिस्तान भी खेलता है क्वालिफाइंग मैचेस को, हर कंट्री खेलता है बट उस क्वालिफाइंग मैचेस की बिहाफ पर उनको रैंक ऊपर किया जाता है, फिर उनको फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में लाया जाता है। तो पाकिस्तान उसके लिए लिस्ट है कि टॉप 50 कंट्रीज़ में आपको होना चाहिए, तो पाकिस्तान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इंडिया भी नहीं है, बहुत सारे कंट्री नहीं है, क्रिकेट खेलने वाले ज़्यादातर कंट्री उसके अंदर नहीं आ पाते उस लिस्ट में। ठीक है, टेन्योर ऑफ पाकिस्तान तो पता नहीं 160-158 नंबर पे है टॉप से अगर हम देखें फुटबॉल में, वो तो थोड़े पाकिस्तान में बलोच वगैरह हैं तो खेल लेते हैं फुटबॉल, मतलब उनकी वजह से बलोचों की वजह से चल रहा है, अगर नहीं होता वो भी ख़त्म हो जाए। मतलब हमारे यहाँ बलोच ज़्यादातर है जो खेलते हैं फुटबॉल, शौकीन है इसके। टेन्योर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बड़ा सिंपल है, 4 साल, और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की 5 साल, बड़ा मुश्किल है चलना, 4 ही साल होना चाहिए। विच वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़ा सिंपल है यार, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी बनाई हुई है भाई, जल्दी बताओ, बिल गेट्स की बनाई हुई है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में लेटेस्ट वर्जन इस वक्त जो है वो कौन सा है, विंडोज 11, 11 इस वक्त लेटेस्ट है जो चल रहा है, विंडोज 10 के बाद आया विंडोज 11। ठीक है, अच्छा विंडोज़ के वर्जन देखिए किस तरह से चलते गए, विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3, फिर विंडोज 3.1, 3.1 के बाद आया 95, फिर 98, फिर आया विंडोज ME, फिर आया विंडोज 2000, फिर आया विंडोज NT, फिर आया विंडोज XP, उसके बाद आया विंडोज विस्टा, विस्टा के बाद आया विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, फिर विंडोज 11। ये वर्जन्स हैं 1, 2, 3, 3.1, 95, 98, ME, 2000, NT, XP, विस्टा 7, 8, 8.1, 10, फिर 11। अब आपने से कुछ ने इस्तेमाल किया होगा विंडोज़ वगैरह कुछ ना कुछ टाइप के, शुरू से आखिर तक मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। एंड्रॉयड में इस वक्त लेटेस्ट फ्लेवर टाइप में होता है ये, कभी वर्जन कौन सा चल रहा है एंड्रॉयड इस वक्त लेटेस्ट, एंड्रॉयड 12 चल रहा है, क्या नाम है 12 का, कोड नेम ओरियो है इस वक्त, या किटकैट, तो आई थिंक किटकैट तो पुराना है, पता है किसी को एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन इस वक्त क्या चल रहा है मार्केट में, ओरियो ही है, आई डोंट नो, आप इसको सर्च कर लेना, आई डोंट नो अबाउट दिस वन। लिनक्स तो इस्तेमाल किया नहीं होगा वैसे आप लोगों ने, छोड़ दो लिनक्स को, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी ऑप्शन करेक्ट है ऑल ऑफ दिस। आईफिल टावर इज इन द सिटी ऑफ, बड़ा सिंपल है ये तो सबको ही पता होगा, पेरिस के अंदर आईफिल टावर, सिंपल। विच कंट्री इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन, यस डी कीनिया, अच्छा अगर बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर कहा जाए दुनिया में तो चाइना, यस देन दिस विल बी चाइना, तो इन सब में कीनिया जो है ना वहाँ पर चाय के बागात बहुत ज़्यादा है। रिवर काबुल फ्लोस फ्रॉम अफगानिस्तान टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के किस प्रोविंस तक जाता है दरियाए काबुल,
کے پی کے جاتا ہے, خیبر پختونخوا کی طرف آتا ہے, دریائے کابل, دریائے سوات کے دریائے کابل, دو بڑے دریا ہیں جو کہ اس کے اندر موجود ہیں کے پی کے میں. دریائے کابل افغانستان سے پاکستان کے صوبے کے پی کے تک آتا ہے. کلیئر ہے؟ دیکھا کس نے ریور کابل, دریائے کابل دیکھا ہے, وزٹ کیا کس نے؟ تصویروں میں تو یہ رات دکھ رہا ہے, دیکھ لو. آگے بڑھیں, کلیئر ہے؟ وچ ٹو کنٹریز ہیو ٹو شیئر نو بارڈر, مطلب کن دو کنٹری میں کے بیچ میں بارڈر شیئر نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو چائنا اور ساؤتھ کوریا میں تو شیئر ہوتا ہے, چائنا اور ساؤتھ کوریا ملے ہوئے, نارتھ کوریا کے ساتھ نہیں ہوتا. امریکہ اور میکسیکو میں بھی ہوتا ہے شیئر, لاس اینجلس کا علاقہ ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے. ایران اور چائنا کا بارڈر لگتا ہے کیا؟ ایران کا چائنا سے بارڈر نہیں لگتا. ایک منٹ, یہ ہو سکتا ہے. آسٹریلیا نیوزیلینڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو دونوں آئیلینڈس میں, مطلب یہ دس از لائک آسٹریلیا اینڈ دس از لائک نیوزیلینڈ, تو ہونا تو چاہیے, تو ان کا بھی اس طرح کا بارڈر تو نہیں لگ رہا. مطلب جس طرح سے لینڈ لاک زمین کے زمینی کنٹریز ہوتے ہیں, لینڈ پہ جو کنٹریز ہوتے ہیں اس طرح سے بارڈر لگ رہا ہوتا ہے, تو دونوں کے بیچ میں سمندر ہے. تو اس کا آپشن تو یہ بھی ہو سکتا تھا, آسٹریلیا نیوزیلینڈ. اب یہ تھوڑا سا کنفیوژن والا سوال آیا ہوا ہے کہ ایران چائنا بھی ہو سکتا ہے, آسٹریلیا نیوزیلینڈ بھی ہو سکتا ہے, دونوں کے بارڈر آپس میں نہیں ملتے. ہاں تو پھر اس لحاظ سے بارڈر ہے, اس لحاظ سے بارڈر ہے, تو چلو مان لیتے ہیں, اے آپشن کریکٹ کر لیتے ہیں, ایران اور چائنا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا یہ سوال, اب شاید کے یو والوں نے مسئلہ کیا ہوگا, سوال میں کچھ غلطی سے دے دیا. گینگس خان واز دا فاؤنڈر آف دا ڈیش امپائر, مونگول امپائر. یس, دس از چنگیز. چنگیز خان کو انگلش میں کہا جاتا ہے گینگس خان. اچھا, اس کا اصلی نام نہیں تھا گینگس خان. یس, گینگس خان مینس ہوتا ہے دا خان, مطلب ہوتا ہے بادشاہ. گینگس مینس دنیا, چنگیز خان مینس ہوتا ہے دنیا کا بادشاہ, دا ایمپرر آف دا ورلڈ. ریئل نیم یہ حذیفہ بتا رہے ہیں, کیا نام ہے ریئل نیم؟ تیموجن. تیموجن جو ہے وہ ان کا ریئل نام تھا, تیموجن. اس کے بعد ان کے آف اسپرنگس نے پھر حکومت کی بہت سارے, تو ہلاکو خان تھا, کبلائی خان تھا, منگو خان تھا, اوکٹائی خان تھا, بہت سارے ان کے مطلب پوتے ہیں نا واسطے, یہ سب نے حکومت کی. تو گینگس خان نے اسٹارٹ کیا تھا. کہاں پیدا ہوئے تھے گینگس خان؟ کنٹری منگولیا. منگولیا میں پیدا ہوئے تھے, آج بھی کنٹری منگولیا ہے. تو منگولیا میں پانی کی ہمیشہ سے کمی رہتی تھی, دیر واز آلویز اے شارٹیج آف واٹر. تو منگولیا میں کیا, جتنے بھی منگول قبائل تھے نا وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے پانی کے لیے. تو تیموجن جو تھا نا وہ جب بڑا ہوا تو وہ ایک سردار کا بیٹا تھا, اس نے کیا کوشش کیا کہ تمام منگولس کو, ٹرائبس کو وہ کر دیا جائے, مینس اکٹھا کر دیا, یونائٹ کر دیا جائے. تو انہوں نے سب کچھ یونائٹ کیا اور کہا بھائی آپس میں لڑ کے کیا فائدہ, دوسرے کنٹری پہ حملہ کرتے ہیں ان کے پانی کے ذخائر لے لیں گے, آپس میں لڑ کے تو پانی تو ہم میں سے کسی کے پاس اتنا نہیں ہے. تو دیٹس وائی تو انہوں نے پہلے چائنا پہ حملہ کیا اور چائنا کو جیت گئے, پورا چائنا کو انہوں نے کنکر کر لیا. اینڈ دین دا تھرسٹ فار واٹر بیکیم دا تھرسٹ فار کانکویسٹ. پانی کی پیاس اس قوم کے لیے جو ہے نا فتوحات کی پیاس بن گئی, اور انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اتنے طاقتور ہیں, ہم کسی کو بھی مار سکتے ہیں. جو کچھ چیزیں چنگیز خان یا منگول آرمی کے اندر ایسی تھیں جو باقی کنٹریز کے اندر, باقی کسی اور آرمی میں نہیں تھی, بہترین گھڑ سوار تھے, گریٹ ہارس رائڈرس تھے, گریٹ آرچرس تھے, آرچرس بھی بہترین تھے, تیر اندازی پہلے بہترین کرتے تھے, گھوڑے پہ بیٹھ کے تیر چلایا کرتے تھے صحیح نشانے پر. کھانے پینے اور پیاس کا مسئلہ تھا, پیاس لگی تو گھوڑے کا خون پی گئے پیاس بجھ گئی, گھوڑے کا کچا گوشت کھا لیا تو بھوک مٹ گئی. یہ اس طرح سے یس زیادہ ہوتے تھے, تو گھوڑے کا ہی گوشت کچا کھا لیتے تھے, بھوک مٹ جاتی تھی, کچھ اور کھانے کی نیڈ نہیں پڑتی تھی ان کو. پانی کی جگہ پر خون سے گھوڑے کے پیاس بجھا لیا کرتے تھے یہ جو چنگیز, مطلب یہ جو منگولس ہوا کرتے تھے. اور لوکوموشن کی بڑی بہترین خصوصیت تھی. لوکوموشن سے مراد یہ کہ اگر ایک کنٹری پر انہوں نے حملہ کر دیا نا, اب ان کی عادت تھی نومیڈک لائف جینے کی, خانہ بدوشی کی, تو کیا ہوتا, دو گھنٹے کے اندر نا ایک پورا شہر بسا دیا کرتے تھے, دو گھنٹے کے اندر پورا شہر بسا دیتے تھے ایک جگہ, ایک میدانی علاقے میں. ٹھیک ہے, اپنا خیمہ اور تمام اپنا جھوپڑی وپڑی سب ساتھ لے کر چلا کرتے تھے گھوڑے میں رکھ کے, تو اس طرح سے آرام سے موو کر جاتے تھے. آرمی ان کی ایزلی موو کر رہی ہوتی تھی.
इधर से उधर। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसने इनको दुनिया के कुछ बिगेस्ट एम्पायर्स में से एक बनाया था, मंगोल एम्पायर को। बट इवेंचुअली बाद में ख़त्म हो गई एम्पायर, अब तो मंगोलिया एक छोटा सा कंट्री बच गया। तो गेंगिस खान मंगोल एम्पायर के फाउंडर थे, उसके बाद और बहुत सारे लोग इन्हीं में आए। तो यही मंगोल्स आगे जाके फिर तैमूरलंग बादशाह इन्हीं के अंदर आए, तातारी इनके अंदर आए, और जो मुगल्स हैं द ग्रेट मुगल्स ऑफ इंडिया वो भी मंगोल्स के ही ख़ानदान से हैं। बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, शाहजहां, सारे इसी डायनेस्टी से आ रहे हैं। अभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो बड़ा अंदाजा होगा उसके बारे में। टैक्सिला म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ, टैक्सिला के जो म्यूजियम है पंजाब में कौन से आर्ट्स उसके अंदर रखे हुए? ए ऑप्शन जो कह रहे हैं वो सही, गंधारा आर्ट। गंधारा सिविलाइजेशन थी, उसके फन पारे उसके बहुत सारे टैक्सिला के म्यूजियम में रखे गए। टैक्सिला में जाऊँगा ना, गंधारा तहजीब की बहुत सारी यादगारें भी हैं, कदीम बड़ा, जैसे मोहनजोदड़ो है ना सिंध में, वैसे ही पंजाब में टैक्सिला है, कदीम इमारतें और कदीम चीज़ें टैक्सिला के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो गंधारा आर्ट्स के लिए मशहूर है टैक्सिला का म्यूजियम। ऑटोमान एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया किसकी है भाई? इजिप्शियन, रोमन, टर्किश, स्पेनिश। वेरी सिंपल, टर्किश की है। ऑटोमान एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया जिसको हम कहते हैं, अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने उसको शुरू किया, उस्मान ने, ठीक, उस्मान गाजी उसने स्टार्ट किया, अर्तुगरुल के साहबजादे थे अर्तुगरुल गाजी के। ठीक है, पता ही होगा, बड़ा पिछले साल तो बड़ा शोशा चला इसका, लॉकडाउन में दुनिया ने यही किया, अर्तुगरुल ही देखा बैठ के, ये तो पता ही होगा। ऑटोमान एम्पायर, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया, ये ख़त्म कब हुई? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो बेटे, शुरू स्टार्टिंग देखो, इसको अर्तुगरुल जो थे ना, सुल्तान सुलेमान शाह, अर्तुगरुल देखा है किसी ने? डेरिडेस। तो फिर तो पता है मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सुलेमान शाह के बेटे थे जिनका नाम था अर्तुगरुल। अब अर्तुगरुल जो थे वो कोई बादशाह नहीं थे, ना ही वो कोई खलीफा थे, ना कोई सुल्तान थे, लेकिन बड़े दिलेर थे और उन्होंने कुछ एरियाज़ को फतेह ज़रूर किया था, लेकिन कुछ एरियाज़ को फतेह किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ना ज़्यादा इनकी अचीवमेंट नहीं है। इसी अर्तुगरुल के फिर बेटे थे जिनका नाम था उस्मान, उस्मान। तो उस्मान जो थे, तो उस्मान ने ख्वाब देखा था, एक उस्मान की एक ड्रीम थी कि उसको एक दरख्त ख्वाब में दिखाई दिया था, वो दरख्त की शाखें उसने देखी थी अलग अलग जो है वो बराबरों में, कॉन्टिनेंट्स में। तो उसने फिर यही ख्वाब देखा, तो इसी वजह से उसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है, क्योंकि उस्मान का ख्वाब था, उस पर ये बेस किया था। जबकि उस्मान भी कोई बादशाह नहीं थे, मतलब सुल्तान नहीं थे कोई, ये कि उन्होंने पूरे एम्पायर पर हुकूमत हो, लेकिन ख्वाब उन्होंने देखा था। उस्मान के बेटे का क्या नाम था? ओरहान। यस, ओरहान गाजी। तो ओरहान जो थे ना, वो फर्स्ट कह लें कि ये सुल्तान थे, यहाँ से सुल्तान शुरू हुए ओरहान। उसके बाद आगे चलते गए, सुल्तान सलीम आए ओरहान के बेटे, उसके बाद सुल्तान बायजीद आए, सर उसके बाद सुल्तान सुलेमान आए, सुलेमान आलीशान जिनको हम कहते हैं, सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशेंट। मेरा सुल्तान नाम से ड्रामा भी जियो आने वालों ने इस पर बनाया था। सुल्तान सुलेमान के बाद उनके बेटे बायजीद, बायजीद बादशाह बने। बायजीद के बाद मुराद, हाँ यस, मुराद के बाद थे। मुराद के बाद जो आए वो उनका नाम था मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है मेहमत। सुल्तान मोहम्मद फ़ातह, जिन्होंने कुस्तुनदुनिया को फतेह किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल को, और इस्तांबुल बनाया था उसको, बहुत मशहूर है सुल्तान मोहम्मद फ़ातह। तमाम सुल्तानी जितने भी ओटोमान एम्पायर, उनमें सबसे मशहूर यही है सुल्तान मोहम्मद फ़ातह। सुल्तान मोहम्मद फ़ातह के बाद फिर उसके बाद और बहुत सारे सुल्तान आए, बट सुल्तान अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद नाम से एक ड्रामा भी इनका टर्की वालों ने बनाया था, अब्दुल हमीद। ये बहुत आखिरी के अब्दुल हमीद लास्ट बादशाह थे, उसके बाद इसके बाद क्या था कि सल्तनत उस्मानिया के डिक्लाइन शुरू हो गया था। उन्होंने पूरी मुमकिन कोशिश की कि वो तमाम तरह के साजिशों से दूर कर ले ओटोमान एम्पायर को, और कोशिश की और कोशिश कामयाब भी रही। लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ कि ये जो टर्की था वो सिक मैन ऑफ यूरोप बन गया। सिक मैन ऑफ यूरोप मतलब यूरोप का बीमार आदमी, जिस पर क्या हुआ कि यूरोप को ने मतलब ना कि वो तनाजली उसकी शुरू हो गई, ठीक है, यूरोप की। तो आखिरी जो खलीफा इसके आए थे उसका नाम था सुल्तान अब्दुल मजीद, सुल्तान अब्दुल मजीद आखिरी खलीफा थे। 1916 में, 1916 में जब अरब रिवॉल्ट हुआ और ब्रिटिश एम्पायर से हार गई टर्किश एम्पायर, ओटोमान एम्पायर, तो इस तरह से सुल्तान अब्दुल मजीद को एग्जाइल कर दिया गया, मतलब उनको हटा दिया गया बादशाह से, और मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क खुद प्रेसिडेंट ऑफ टर्की बन गए, और सेकुलर रियासत के आगाज़ हुआ टर्की के अंदर। तो इसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ।
तो ये सुल्तान अब्दुल मजीद लास्ट थे 1916 में, वो चिराग बुझा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशन किया था, खिलाफत का चिराग। वो खिलाफत का चिराग आखिरकार 1916 में बुझ गया। अगरचे खिलाफत तहरीक चली, खिलाफत मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर ने चलाई यहाँ पर, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, खिलाफत ख़त्म हो गई फाइनली। ठीक है, तो अब तक कोई खलीफा मुसलमानों का अब दुनिया में नहीं है, एक खलीफा। हाँ, उसको अमारत कहते हैं, इमारत इस्लामिया। खिलाफत सारी दुनिया में होती है, अफगानिस्तान की खिलाफत जो इमारत है वो सारी दुनिया में कायम नहीं हुई। हाँ, उन्होंने अपने कंट्री के अंदर तो इस्लाम लेकर आ गए, लेकिन हम मुल्ला उमर मुजाहिद या जो भी उनके अंदर और लोग हैं, हम उनको उसके अंदर खलीफा हम उनको नहीं कह सकते। जिस तरह से ऐसे तो इस्लामी रियासत तो ईरान के अंदर भी कायम है, पूरी तरह से इस्लामी रियासत कायम है, 100% इस्लामिक रियासत है, लेकिन हम जो वहाँ पर खामनी है, खामनी को हम नहीं कह सकते कि सारे दुनिया के मुसलमानों के वो लीडर हैं। हाँ, वो ईरान के तो ज़रूर हैं, बट सारे दुनिया के लोग उनको अपना खलीफा नहीं मान सकते, ना मानते हैं। नहीं समझ मेरी बात? तो वो अमारत है, खिलाफत नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस हो दोनों। अच्छा, ट्रीटी ऑफ लुज़ाने की बात कर रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ लुज़ाने जो था वो इसलिए था कि 100 ईयर्स का खिलाफत पे बैंड लगा था। जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जब आए थे तो उन्होंने उनके दौर में फिर 100 ईयर्स का उन्होंने बैंड लगा दिया था कि कैलिफेट जो है ना खिलाफत अब नहीं आ सकती 100 साल तक। तो वो वैसे तो वो कोई ट्रीटी इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं थी, वो जस्ट जो बहुत ज़्यादा कह लें कि ना थोड़ा अफसानवी टाइप के लोग जो होते हैं, जो अफसानों में जीते, जो ज़्यादातर हकीकत टीवी देखने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, मेरे को लगता है कि बस अभी तुर्की जो है ना दुनिया पे अर्तुगरुल जो है घोड़े पर बैठ के आ जाएगा और पूरे पाकिस्तानियों को मतलब कि पूरे दुनिया के मुसलमानों का नाच झंडा बुलंद हो जाएगा। ऐसे लोगों को फिर ये चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं कि 100 साल के लिए खिलाफत थी, अब टर्की ऐसा हो गया। तो टर्की पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, टर्की अच्छा चल रहा है तो उसके अंदर किसी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है कि 100 साल बाद उसको अपने आप को चेंज करना पड़े। हम कह रहे हैं ना कि टर्की में खिलाफत आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो यार रजब तैयब अरदोगान साहब ने ऐसी कोई बात आज तक नहीं की है कि हम खिलाफत लेकर आएंगे टर्की में, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी। जब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है क्या ज़रूरत है? असल में हम बेचारे डेमोक्रेसी के मारे लोग हैं, हमें ढंग की डेमोक्रेसी मिली नहीं पाकिस्तानियों को, इसलिए हमें लगता है डेमोक्रेसी दुनिया भर में ख़राब होगी, तो ऐसा नहीं है। टर्की की डेमोक्रेसी हमसे बहुत अच्छी है और चलती भी अच्छा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि उसके अंदर आप उसको चेंज करके खिलाफत डाल दो उसके अंदर? जब एक चीज़ अच्छी चल रही है तो चलने दो उसको। तो ट्रीटी ऑफ लुज़ाने जो है ना वो जैसे एक चीज़ थी जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं इतनी ज़्यादा जितनी इंपॉर्टेंस हम मना रहे होते हैं कि 100 साल तक खिलाफत पे बैंड रहेगा टर्की में, उसके बाद चेंजिंग आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 2021 में कह रहे थे हो जाएगा, 21 शुरू हो गया, ख़त्म होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला जी। यही मैं बता रहा हूँ, हकीकत टीवी वाले ये बात आपको बताती हैं सारी, ये सब बातें मैं बिल्कुल इस कान से सुनो उस कान से उड़ा दो। ये बातें लोग बस ऐसे ही, हम लोग ख्याली दुनिया में जीने के लिए ख्याल में भी लगता है सब अच्छा होने वाला है, जबकि जब तक ग्राउंड रियलिटीज़ अच्छी नहीं होगी ना तब तक अच्छा ही नहीं आएगी मुल्क के अंदर। दोबारा और ले लेंगे 10। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इज इन विच सिटी? जल्दी बताओ जरा टाइम। न्यूयॉर्क के अंदर है यूएन का हेडक्वार्टर, जिसको सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ पर है? हॉलैंड में हेग, जो मुकाम है हेग सिटी है हॉलैंड के अंदर, वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। विच कंट्री हैज नॉट द सेटअप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर? इसमें से कौन सी कंट्री न्यूक्लियर पावर नहीं है? यस यू आर राइट, जर्मनी न्यूक्लियर पावर नहीं है। अच्छा, आप सोचते हैं कि यार पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और जर्मनी न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो व्हाई इट, हाउ इट हैपेंस? नॉट बिकॉज ऑफ एनी हेल्प, बिकॉज इट वॉज इनलीगल। जितने भी कंट्री न्यूक्लियर पावर बने वो सारे इनलीगली बने, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चागी पर जो धमाके किए थे, धमाका वो बिना हुकूमत को बताए किया। इस तरह इंडिया ने जो एटमी धमाका किया था तो इंडिया ने भी हुकूमत को बताए बिना किया था। इंडियंस की पूरी मूवी बनाई है परमाणु के नाम से, जॉन अब्राहम परमाणु, जिसमें उन्होंने परमाणु बम जो कहते हैं ना, वो परमाणु बम कहते हैं वो एटम बम को, तो वो उन्होंने तैयार किया किस तरह से छुप कर किया था, मतलब जो अमेरिका की सैटेलाइट से, तो बड़ा डिटेल में इंडियंस ने उसको दिखाया। तो जर्मनी ने ऐसा एक इलीगल काम किया नहीं था असल में, इसलिए उसको, क्योंकि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है उसके लिहाज से जर्मनी ने उसको फॉलो किया था, तो उसने न्यूक्लियर धमाके नहीं किए, इसलिए वो ऑफिशियली स्टेटस उसके पास न्यूक्लियर पावर की नहीं है।
लेकिन एटमिक पावर प्लांट है जर्मनी के अंदर, एटमिक बिजली बनाते हैं वो। डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया एटमिक धमाका करके उन्होंने, जो कंट्री एटमिक धमाका करता है ना बस उसको दिया जाता है कि ये एटॉमिक पावर है। जर्मनी के पास एटॉमिक पावर ज़रूर है लेकिन एटमिक धमाका उसने कभी नहीं किया। तो उसने कहा था कि उससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वाकई में एनवायरनमेंट ख़राब होता है एटमिक धमाका करने से। चाकी पे जब किया गया था तो पूरे पहाड़ रेड हो गई थी, तस्वीरें जो उसकी दिखती हैं। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है एटमिक धमाका करना, बुरी बात है। बिल्कुल सेम इसी वजह से चेर्नोबिल डिज़ास्टर में, ठीक है। तो जर्मनी ने इस वजह से स्टेटस उसको नहीं मिला है। द प्रोजेक्ट सीपैक बिटवीन विच टू कंट्री, वेरी सिंपल, यार पाकिस्तान और चाइना के बीच में सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। मुस्लिम परफॉर्म हज ऑन विच डे ऑफ जिलहज, बड़ा सिंपल है यार, कौन से जिलहज को मुसलमान हज करते हैं तारीख। अबे यार इतना सिंपल सवाल है, हज कौन सी तारीख को होता है? 10th ऑफ जिलहज को होता है, 10 जिलहज को होता है, ठीक है। 10th ऑफ जिलहज को हज होता है। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट होता है यार सफर, अरे मुहर्रम में होती है स्टार्ट, सफर में कब से सुनने शुरू कर दिया। मुहर्रम पहला महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर का, ये याद है मतलब कह रहे, ये तो हो जाएगा, ये आ गया तो ये कर लेंगे। मिसाके मदीना ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड होम, मुसलमानों और किन के बीच में मिसाके मदीना हुआ था? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे जी, उसके बीच में हुआ था, यहूदियों के बीच में हुआ था, क्योंकि यहूदी बड़ी तादाद में थे मदीना के अंदर, तो नबी ने उनसे एक मुआहदा किया था, मिसाके मदीना उसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मुशरिकीन तो थे नहीं, वो सारे मक्का में थे। विच रिचुअल कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, इनमें से क्या साल में किसी भी वक्त कर सकते हैं? यस वेयर इज द उमरा, साल में किसी भी वक्त किया जा सकता है, हज एक स्पेसिफिक टाइम पे होगा। हिजरे अस्वद स्टोन वॉज प्लेस्ड एट, कहाँ है हिजरे अस्वद? काबा में लगा हुआ है। हिजरे अस्वद इज द स्टोन फ्रॉम पैराडाइज, ब्लैक स्टोन इसको हम कहते हैं, काले रंग का पत्थर है जिसको चूमना क्या कहलाता है, जिसको हम मतलब उसको हम याद है रमी नहीं इस्तलाम, यस इस्तलाम। विच बैटल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसिसिव फॉर इस्लाम, अच्छा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, मल्टीपल आंसर्स मुझे समझ नहीं आ रहे इसके। यह तो बच्चे कहते हैं बदर, बदर वॉज द फर्स्ट वन, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिसिसिव बैटल थी ना वो थी यरमूक, जंग यरमूक। नाउ वाई बैटल ऑफ यरमूक, यरमूक की जो जंग थी वो किस पे किस में लड़ी गई थी? इट वॉज बिटवीन मुस्लिम्स वर्सेस रोमन्स, मुस्लिम्स और रोमन्स के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, तो रोमियो के बीच में। और लड़ाई कहाँ पर हुई थी? सीरिया में हुई थी, शाम में हुई थी। सीरिया में एक इलाका था, एक यरमूक का मैदान था, उस पर ये लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ यरमूक। और उसमें जो मुसलमानों के सिपा सलार थे ये वॉज खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ मुस्लिम्स आर्मी। और इसी में सीरिया मुसलमानों के हाथ लगा था, शाम का इलाका जो मुसलमानों के हाथ आया था। शाम पहले रोमन्स के पास था, रोमियों के पास था, उसके बाद मुस्लिम्स के पास आया। तो जब नबी करीम सल्लम के जब नामे मुबारक, अच्छा रोम्स के जो बादशाह थे ना उसको उसका लकब क्या था? कैसर, कैसर रोम उसको कहा जाता था। तो उन्होंने उस नामे मुबारक को चाक कर दिया था, मतलब फाड़ दिया था। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह रोम नाजिल की और उस पर अल्लाह ताला ने बशारत दी कि बेशक रोम गालिब आएगा, रोम जो है मुसलमानों के हाथ आएगा। तो अल्लाह ने पहले ही मुसलमानों को बता दिया था। और ये ऐसा हुआ खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर, जो सबसे बड़े एम्पायर थे उस दौर में, उसको शिकस्त दी थी बैटल ऑफ यरमूक में। और ये डिसाइसिव बैटल था जब मुसलमानों की धाक दुनिया भर में बैठी कि रोमियो को मुसलमानों ने शिकस्त दी थी, क्योंकि एक तो बड़ी ताकत थी। यस हेराक्लियस, यस हेराक्लियस वॉज द किंग, कैसर उनका लकब होता था, हेराक्लियस जो था वो नेम था उस बादशाह का, कैसर वॉज द टाइटल, कि सीजर जिसको हम लोग कहते हैं। वैसे थोड़ा रोमन्स थोड़े कमज़ोर भी हो गए थे मुस्लिम्स के टाइम में, यस वो जो वहाँ पर वो मैंने बताया था बारबेरियंस से लड़ाई की थी रोमन से, तो उसके बाद से तो वो कमज़ोर पड़ गए थे। तो मुसलमानों को जो रोमन्स मिले थे जिनसे लड़ाई की थी थोड़े कमज़ोर थे, वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे जो अपने हाइट्स में थे। ठीक है आगे बढ़ते, डिसिसिव फैसला कौन, जिसने फैसला कर दिया था। नेक्स्ट है बच्चों, विच किंग रिफ्यूज टू हैंड ओवर मुस्लिम्स टू कुरैश व्हेन दे माइग्रेटेड,
कौन से बादशाह ने इनकार कर दिया था कि वो कुरैश मुसलमानों को नहीं देंगे कुरैश के हाथों। तो जब मुसलमान एबिसिना की तरफ गए थे, एबिसिना मतलब हबशा की तरफ, एथियोपिया की तरफ जब उन्होंने हिजरत की थी, ही वॉज नजाशी। और मुसलमानों की जो पहली हिजरत थी वो नजाशी, वो उसी तरफ थी, एथियोपिया की तरफ थी या हबशा की तरफ थी। इसको एबिसिना कहा जाता है इंग्लिश में, एबिसिनिया। तो वहाँ पर बादशाह, एक ईसाई बादशाह नजाशी हुकूमत किया करता था। तो अबू सुफियान ने जो है ना नजाशी बादशाह के कान भरे के ईसा अलैहि सलाम के बारे में गलत बातें करते हैं। तो नजाशी बादशाह ने उस वक्त मुसलमानों के जो लीडर थे, उस वक्त जो लेकर गए थे, हजरत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अनु थे, जाफ़र तैयार को बुलाया नजाशी ने और बोला कि तुम बताओ ईसा अलैहि सलाम के बारे में क्या जानते हो। तो उन्होंने सूरह मरियम की कुछ आयत की तिलावत की, तो नजाशी बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। नजाशी वॉज द किंग, जिसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो उसने कहा, उसने एक तिनका ज़मीन से उठाया और कहा कि खुदा की कसम हम मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को ना इस एक तिनके से ज़्यादा ना किस तिनके से कम जानते जो शख्स ने बताया। सेम यही चीज़ हमारे भी अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो वो इस तरह से बड़े इज्जत के साथ मुसलमानों को वहाँ ठहराया गया और जो अबू सुफियान का जो कुरैशियों का वो था ना, रुख्सत कर दिया गया। कहा जाता है कि नजाशी ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था बाद में। तो जब उसकी वफ़ात हुई नजाशी की ना, तो गायबाना नमाज जनाजा उसकी पढ़ी गई और वहीं से सबूत मिलता है गायबाना नमाज जनाजा कि जनाजा कहीं और है और नमाज जनाजा कहीं और हो रही है। तो नजाशी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी थी। तो कहा जाता है कि इस्लाम कबूल कर लिया था नजाशी ने। एबिसिनियन किंग था ये, एथियोपिया का या हबशा का, ठीक है भाई, क्लियर। तो एक्स्ट्रा बातें भी थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ कि आपके माइंड में रह जाए कुछ चीज़ें कि उसने मुसलमान, हाँ उनको इनकार कर दिया था अबू सुफियान को कि हम इनको तुम्हारे हाथ नहीं करेंगे, इनका गलत अकीदा नहीं है। विच वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया जो हुआ था उसमें क्या टर्म्स रखे गए थे, क्या मुस्लिम्स कैन परफॉर्म पिलग्रिम, मुस्लिम्स कैन ओनली स्टे फॉर 3 days एट मक्का वाइल परफॉर्मिंग पिलग्रिम, देयर विल बी नो फाइन, डी होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे सुलह हुदैबिया के अंदर पॉइंट्स थे। मुसलमान इस साल हज करने जा सकेंगे और मुसलमान सिर्फ 3 दिन रहेंगे मक्का में जब वो परफॉर्म करेंगे हज को, और 10 साल तक कोई भी लड़ाई जो है वो मुसलमानों के उनके बीच में नहीं होगी, ठीक है। तो ये सुलह हुदैबिया कहलाता है। अगर जैसे में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉइंट्स लिखे गए थे लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको कबूल कर लिया था। जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर द पावर फ्रॉम विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से जनाब ज़ियाउल हक ने, वैसे उनको तो हैंग टू डेथ कर दिया गया था, सज़ाए मौत दी गई थी, फांसी पे लटका दिया गया था। उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे ये, मर्द मोमिन मर्द हक इनको कहा जाता है। इनके दौर में ही जो है तालिबानाइजेशन को फ़रोग हुआ, सोवियत अफगान वॉर शुरू हुई। द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट कहाँ से हो गया हॉकी। जनरल इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वॉज शिफ्टेड फ्रॉम डैश टू इस्लामाबाद, कराची टू इस्लामाबाद, वेल डन। इंडस रिवर डज नॉट पास थ्रू दिस प्रोविंस, किस सूबे से नहीं गुजरता, या बलूचिस्तान से नहीं गुजरता दरियाए सिंध, बाकी हर सूबे से आप देखोगे तो वो गुजर रहा होता है। कश्मीर से निकलता है, केपीके पे आता है, फिर पंजाब से होता हुआ सिंध में दाखिल होकर अरेबियन सी में गुर जाता है। सिर्फ बलूचिस्तान वाहिद सूबा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट पे रिवर इंडस नहीं आता, ठीक है। विच सिटी इज़ फेमस फॉर सेंट्स, यस मुल्तान को औलिया का शहर कहा जाता है। ये किसका मजार है, सेवन शरीफ, हजरत बहाद भुल्ले शाह पंजाब कहा आ गए, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी इनका जो है वो ये मज़ार है, मुल्तान में ही है, सिटी ऑफ सेंट्स। द टॉम ऑफ पाकिस्तान पोइट अलामा मोहम्मद इकबाल, अलामा इकबाल की जो मकबरा कहाँ है, भाई सियालकोट में नहीं है, लाहौर में है, सियालकोट में पैदा हुए थे वो, वफात उनकी लाहौर में हुई, तो मज़ार भी लाहौर में है, सियालकोट में जाए पैदाइश है, क्या कह रहे हो यार तुम। पाकिस्तान डिडंट विन द वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान ने नहीं जीता है, फुटबॉल वाहिद वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान ने नहीं जीता है, बाकी हॉकी क्रिकेट स्क्वाश सबके वर्ल्ड कप जीते हुए पाकिस्तान, फुटबॉल को 100 साल तक भी चांस नहीं कि जीते, वो सब टीम में आता ही नहीं है ना, तो जितना तो दूर की बात है, पहले तो टीम में आना होगा।
गाजी मोहम्मद अली जिन्ना डाइड एट वेयर? अबे ज़ियारत पे नहीं डेथ हुई थी, कश्मीर कराची में ही डेथ हुई थी। कहते हैं लोग रास्ते में डेथ हो गई थी, वैसे हम कराची कहते हैं। ज़ियारत में उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे थे, कायदे आज़म रेजिडेंसी में। वफात लेकिन कराची में ही आकर हुई थी। ज़ियारत में वफात नहीं हुई थी, तबीयत ख़राब हुई थी वहाँ पर। कराची लेकर आ रहे थे, कराची आने के फ़ौरन बाद डेथ हो गई थी। ठीक है बेटा, तो इंग्लिश में पास पेपर्स के यू के जो है वो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, तो पहला तो इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिनोनियम्स हैं। सिनोनियम्स हैं सेम सिमिलर मीनिंग मीनिंग्स हैं। मेटाफोर, तो मेटाफोर की सेम मीनिंग आपको बतानी है कि उससे मिलती जुलती और मीनिंग क्या हो सकती है। सिंबल, आयरनी, हैसन, सार्केज्म। देखो मेटाफोर को जो वर्ड है नॉर्मली हम ऐसे इंग्लिश पोएट्री के अंदर हम देखते हैं ना। इंग्लिश पोएट्री के अंदर अगर आपने मेरे लेक्चर्स को लिया होगा सेकंड ईयर में, तो वहाँ पर मैं दो चीज़ों के बारे में बात करता था, सिमिली एंड मेटाफोर। सिमिली एंड मेटाफोर, तो सिमिली और मेटाफोर दोनों हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए दोनों इस्तेमाल करते हैं सिमिली एंड मेटाफोर। सिमिली इज यूज फॉर इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफोर इज फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन। अगर हम लाइक और एस के वर्ड के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है सिमिली। लाइक और एस के वर्ड के साथ, जैसे एस ब्रेव एस अलेक्जेंडर द ग्रेट हु वॉज एज ब्रेव एज अ लायन एंटर्ड इन द बैटल फील्ड। सिकंदर आजम जो शेर के जैसा बहादुर था वो मैदान जंग में दाखिल हुआ। दिस इज अ सिमिली। मेटाफोर डायरेक्ट कंपैरिजन, द लायन एंटर्ड इन द बैटल फील्ड, शेर मैदान जंग में दाखिल हो गया। तो यहाँ पर दिस इज लायन इज अ मेटाफोर, जो मेटाफोर इज डायरेक्ट कंपैरिजन है। इस्तारा उर्दू में हम लोग कहते हैं इस्तारा, उर्दू शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो शेर से मना दिया, शेर नहीं आया, नवाज शरीफ आया। ठीक है, तो शेर मेटाफोर हो गया किसके? नवाज शरीफ के लिए। ठीक है, तो मेटाफोर मतलब होता है क्या चीज़, क्या हो सकते हैं चारों में से? या सिंबल हो सकता है, मेटाफोर में सिंबल, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सिनोनियम्स है सेम वर्ड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड, तो मेटाफोर की जो नियर मीनिंग है वो सिंबल है, सिनोनियम इसके सिंबल। नेक्स्ट है अकॉम्प्लिश, बड़ा आसान सा है, कोई भी बता सकता है। अकॉम्प्लिश क्या मतलब होता है? अकॉम्प्लिश के यस यस अचीव राइट, हासिल करना। अकॉम्प्लिश मतलब हासिल करना किसी चीज़ को, अचीव का मतलब भी हासिल करना। अकॉम्प्लिश एंड अचीव दे बोथ आर सिनोनियम्स। तो पांच सवाल आते हैं सिनोनियम के, तो मैंने बताया था आपको। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का क्या? इनकैपेबल, इग्नोरेंस, बैकग्राउंड, एक्सपर्टाइज। डी ऑप्शन एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपर्टीज होगा, सिंपल से चीज़ें, महारत। आसान से, बड़े मुश्किल नहीं है कोई। एनडी में मुश्किल है सिनोनियम्स आते हैं, केजीओ में नहीं आते सिनोनियम्स। कुछ हैं, एक दो मुश्किल आएंगे वो दिखा दूंगा। प्री मैच्योर, प्री मैच्योर जैसे प्री मैच्योर बर्थ होती है बच्चों की। यस अनटाइमली, वक्त से पहले। ठीक है, ठीक है, तो वक्त से पहले, दैट इज प्री मैच्योर, वक्त से पहले। नाउ नॉर्मली बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्री मैच्योर बर्थ ऑफ द बेबी कॉज हिज डेथ। ठीक है, तो वो अनटाइमली, वक्त से पहले। पैनिक, बड़ा सिंपल वर्ड है। यस पैनिक अफरा तफरी को कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मीन्स पैनिक। ठीक है, अफरा तफरी, तो पैनिक एंड एंग्जाइटी आर सिनोनियम्स। ठीक है, वियर्ड, बड़ा सिंपल वर्ड है वियर्ड भी। यस वेल डन भाई, बिजार, अजीब। बिजार मतलब अजीब सी कोई चीज़, तो डैट इज वियर्ड। वियर्ड मीन्स बिजार, बिजार मीन्स अजीब। ठीक है, वियर्ड एंड बिजार दे आर सिनोनियम्स। गुड, ये थोड़ा सा मुश्किल हल्का सा। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट देखो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? खुला, ओपन, बजाहिर जो सामने बिल्कुल हो उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। वैग, वैग देखो वैग भी नहीं हो सकता। वैग का मतलब होता है, वैग का मतलब होता है लाइक कुछ चीज़ थोड़ी क्रिमिनल टाइप की चीज़, दैट इज वैग। ठीक है, या प्रोहिबिटेड कोई चीज़ है, दैट इज वैग। एम्बिगियस, मुश्किल, डिफिकल्टी। फॉल्स मतलब गलत चीज़,
बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्वियस, जो जिस खुले सामने जाहिर हो वो चीज़ है, ऑब्वियस है। तो एक्सप्लिसिट का जो सिनोनियम होगा वो होगा ऑब्वियस, जो खुला हो, जो बताए सामने हो, जो बिल्कुल साफ और शफाफ हो, जो ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट। ठीक है, जैसे एक्सप्लिसिट लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, यू कांट यूज एक्सप्लिसिट लैंग्वेज इन द क्लासरूम, मतलब खुली जबान में बात करना जिसमें आप बस सामने वाले पर जो मुंह पे आए बक दें, दैट इज एक्सप्लिसिट लैंग्वेज। तो वो मना होती है, बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स में मना होती है इस तरह बात करना। कैंडिड, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैंडिड, देखिए कैंडिड का जो वर्ड है ना, आई थिंक देखिए पहली बार में अगर किसी को नहीं आना होता मुश्किल है, ज़्यादातर बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। कैंडिड इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी के लिए, कैंडिड फोटोग्राफी, कभी कभार तस्वीरें लेते हैं लोग और कैप्शन पे लगा देते हैं हैशटैग करके कैंडिड। ठीक है, अब वो कैंडिड फोटो किसे कहते हैं कि आपने तस्वीर लामहाला ले ली, मतलब एक होता है ना, तस्वीर लेने से पहले आप तैयार हैं, रेडी है कि पिक्चर लेनी है, और फिर आपने आपके पोज, अपने बेस्ट पोज के साथ जो है वो पिक्चर आपने कैप्चर कर ली। और कभी कैंडिड फोटो क्या होता है, आपने बस ऐसी तस्वीर खींच ली, ना आपने पोज बनाया, रैंडम पिक जिसको हम कहते हैं। तो कैंडिड फोटो में आप अपनी असलियत दिखा रहे होते हैं कि आप रियल में कैसे हैं, दिस इज दी ट्रूथफुल, जो चीज कैंडिड है मतलब वो सच्ची है, ट्रूथफुल। तो कैंडिड इज टू ट्रूथफुल, सिनोनिम्स दे आर। ठीक है, तो वर्ड्स के साथ ना कोई कनेक्शन, कोई एग्जाम्पल जोड़ते हैं ऐसे जो रियल लाइफ की है, जो देखने में आती है, तो इजी वर्ड आपको याद हो जाए। कैंडिड मीन्स ट्रूथफुल, जो सच्ची है, जो सच है, ट्रूथफुल, डी ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा आसान सा वर्ड है, कोरोना वायरस में तो बड़ा चला, एपिडेमिक। व्हाट इज एपिडेमिक, जो फैल जाए, कंटेजियस, कंटेजियस डिजीज, कोरोना वायरस इज अ कंटेजियस डिजीज, जो फैल जाए, जो स्प्रेड हो जाए इजली, दैट इज कंटेजियस। एपिडेमिक भी उसी को कहते हैं, पेंडेमिक भी एटलीस्ट यही होता है, कंटेजियस डिजीज जो फैल जाने वाली हो, स्प्रेडिंग डिजीज हो। एक मूवी भी बनी थी उसके ऊपर कंटेजियस के नाम से, तो कोविड के दौरे में बड़ा चली कि इस मूवी में पहले से बता दिया गया था कोविड के बारे में, कंटेजियस, उसमें एक वायरस की मूवी थी जिसमें वो फैल गई थी किसी शहर में, कंटेजियस। तो कंटेजियस मतलब एपिडेमिक, जो फैल जाए, ये ऑप्शन करेक्ट है। एस्टोनिशिंग, बड़ा सिंपल है, यस हुज़ैफा इज राइट, बी मार्वेलस। एस्टोनिशिंग मतलब जो बड़ा शानदार है, जो काबिल जिक्र है, मार्वेलस, दैट इज एस्टोनिशिंग। ऑर्डिनरी डल और एवरेज नहीं हो सकता, जिस हम एक एक जैसे मीनिंग्स, क्लियर है। पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, केजू पास पेपर, ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ लगा कर आना है टेस्ट में भी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पे बैठे हुए पता नहीं क्या है। तो कोई नंबर 50 नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं है, सर आप देखें ना, जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी कमांड हासिल है वो देख रहे हैं कि तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमें क्यों हमारे टेस्ट नहीं हो क्लियर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है सबसे पहली चीज़। ईगर, यस एम्बिशियस, ईगर मतलब शौकीन होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जोश में होना, एम्बिशियस होना। ठीक है, आई एम ईगर टू हैव एन एडमिशन इन UBIT, या यू आर ईगर, यू आर एम्बिशियस फॉर एडमिशन इन UBIT। तो ईगर और एम्बिशियस, दे बोथ आर सेम मीनिंग्स। ठीक है, अनबायस्ड, इम्पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड, वो इस मीनिंग के साथ नहीं मैच करते, ये थोड़ा सा ये मुश्किल है। एवर्स, एवर्स के मीनिंग क्या होते हैं, एवर्स के मीनिंग होता है इनहराफ करना, इनहराफ करना या किसी चीज़ से हट कर चलना। तो ये तो अच्छा, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर शुरू हो गया अपोजिट वर्ड, अपोजिट। ठीक है, मतलब एंटोनियम से स्टार्ट हो गए, अब आपको अपोजिट वर्ड बताना है। इनहराफ करना, हट जाना एक तरफ से, यस सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इंक्लाइन, झुकना किसी चीज़ की तरफ। क्या अपोज का मतलब भी सेम वही है, खिलाफ होना, खिलाफ जाना, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी रखना, या इसका मतलब भी खिलाफ जाना, हॉस्टिलिटी। लोथ, लोथ का मतलब होता है गुस्सा करना, या गुस्से मतलब किसी पर गुस्सा करना, एंग्री होना, तो ये भी साइड से बातें नहीं हो सकता। तो इंक्लाइन इसके करेक्ट मीनिंग है, इंक्लाइन करना मतलब इसका एवर्स का उलट है, एवर्स मतलब किसी से दूर जाना, इंक्लाइन मतलब किसी की तरफ गामजन होना, इंक्लाइन हो जाना। ठीक है, डाइवर्स, डाइवर्सिटी से निकले, एंटोनियम बताना है। डाइवर्स मतलब जिसके अंदर डाइवर्सिटी, मतलब इख्तलाफ, हम डाइवर्स कहते हैं इख्तलाफ,
असॉर्टेड का मतलब भी यही होता है कि मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ों को तरतीब में रख देना, वेरियस मतलब मुख्तलिफ चीज़ें इसमें भी, ऑल एंड सेंट्री, सेंट्री का मतलब भी मुख्तलिफ चीज़ें, डी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल, डाइवर्स का अपोजिट होता है इक्वल, डाइवर्सिटी जब किसी चीज़ में है मतलब मुख्तलिफ चीज़ें बहुत सारी अलग 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 हैं, और जब इक्वल हो जाए तो मतलब वो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं रहे, वो एक ही हो जाए सारी, तो अपोजिट है डाइवर्स और इक्वल एक दूसरे का, इक्वलिटी और डाइवर्सिटी में ये डिफरेंस है, इक्वलिटी में जब सब चीज़ें बराबर हैं, जी बोले सेंड्री, इसका आपने वो पढ़ा होगा ऑल एंड सेंड्री, ऑल एंड सेंड्री, सेंड्री के मतलब भी यही होता है मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ लोग, सेंड्री, गैल्वेनाइज, ये भी मुश्किल है थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ उसका आंसर, गैल्वेनाइज, एक तो गैल्वेनाइज का मतलब होता है वो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, कि आयरन के ऊपर जब आप जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइज्ड, तो दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिंक की लेयर चढ़ती है तो वो फिर वो फिर वो उसमें जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती, वो कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए एक मेथड है, सेकेंड ईयर में आया भी था एमसीक्यूज में आपके पास पेपर में, तो वो एक गैल्वेनाइज अलग है, और एक गैल्वेनाइज का मतलब होता है एक्टिव, गैल्वेनाइज करना मतलब एक्टिव होना, चाकू चौबंद होना, फुर्तीला होना, अब इस फुर्तीले के जो रिवर्स इसमें बढ़े ना, स्पर, राउस, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब एक्टिव बनाना, राउस मतलब किसी को उभारना, स्पर मतलब भी किसी को चाकू चौबंद करना, एक्टिव करना, डी ऑप्शन, वेरी, वेरी मतलब होता है लेजी, थका हुआ, टाइट के मीनिंग में आता ना वेरी, तो गैल्वेनाइज अगर कोई है तो बहुत एक्टिव है, और वेरी मतलब तो लेजी हो गया, तो गैल्वेनाइज का जो अपोजिट है वो वेरी है, तो एक ना एक ना एक वर्ड तो ऐसे आएंगे जो आपको शायद नहीं आ रहे हो, तो ऐसा होता है, इसके लिए वोकैबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, इसके लिए 200 वर्ड्स वोकैबलरी है, उसका लेक्चर मैं आपको एक बार दूंगा, 200 मैंने अब तक दिया नहीं है 200 वर्ड वोकैबलरी, तो वो दे दूंगा, तो उससे मुश्किल मुश्किल इस तरह के वर्ड्स हम देख लेंगे, गैल्वेनाइज जैसे कि ये वर्ड है, यस्पर, वियरी, स्टिमुलेट, राउस, मुश्किल वर्ड्स भी आने चाहिए आपको, ठीक है, कॉन्टिंजेंट, ये भी एक मुश्किल वर्ड है, कॉन्टिंजेंट का जो हमारे पास सिनोनियम होता है गार्डेड, कॉन्टिंजेंट के मतलब क्या होते हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क है या कोई चीज़ बहुत रिस्क में ख़तरे में पड़ी है तो वो कॉन्टिंजेंट है, द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ इन कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिंजेंट मतलब ख़तरे में होना, रिस्क में होना, इसका उलट क्या हो गया, गार्डेड मतलब हिफाजत में होना, ठीक है, तो कॉन्टिंजेंट मीन्स ख़तरे में होना, डेंजर में होना, और इफ गार्डन मतलब हिफाजत में होना, तो ये उसके एंटोनियम्स हैं, ये आसान है, ये आप लोग बता दो, कंटिन्यूअल, जारी होना, कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल मतलब जो लगातार जारी हो, कंटिन्यूअस हो, जी भाई स्टडी का मतलब यही होता है जो लगातार चल रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एटर्नल का मतलब जो हमेशा के लिए है, परमानेंट है, ए है पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब होता है वक्फे वक्फे से, पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक पेन होता है बहुत सारा, एक कभी कभार होता है डॉक्टर्स कहते हैं भाई पीरियोडिक पेन, पीरियोडिक पेन जो लगातार, एक होता है कंटिन्यूअल पेन, कंटिन्यूअस पेन, और एक होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक का जो वक्फे वक्फे से पेन हो रहा हो दैट इज अ पीरियोडिक पेन, और कंटिन्यूअल जो लगातार हो, कंटिन्यूअस हो, इन सीसेंट जो सीज मतलब सेम वही है, इन सीसेंट जो नॉन मतलब सीजेबल ना हो, जो सीज ना हो, जो रुके ना, जो लगातार चलते रहे, इन सीसेंट मतलब अनसीजेबल, इसको हम कह सकते हैं जो सीज ना हो, जो ख़त्म ना हो, जो रुके ना, तो सेम है पीरियोडिक जो वक्फे वक्फे से हो, लगातार ना हो, आसान था वैसे ही, थोड़ा मुश्किल आप इसमें नहीं बता पाए, प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब के पीछे पीछे होना, पीछे पीछे होना, एंटोनियम बताना है, एंटोनियम, एंटोनियम हो जाएगा लीड, ठीक है, देखो फॉलो मतलब पीछे पीछे चलना, प्रीसीड, प्रीसीड मतलब पीछे होना, फॉलो मतलब पीछे होना, गो बिफोर मतलब भी किसी के पीछे चलना, आई एम गोइंग बिफोर यू, गोइंग आफ्टर तो एक अलग चीज़ होती है, इस तरह से हेराल्ड का मतलब भी सेम यही होता है, पीछे होना किसी के, हेराल्ड, तो यहाँ लीड इज द करेक्ट ऑप्शन ए, लीड प्रीसीड का एंटोनियम है, ठीक, लॉफुल, ये बड़ा आसान है, यस, लॉफुल का हो जाएगा इनलीगल, कानूनी और गैर कानूनी, लॉफुल कानूनी, इनलीगल गैर कानूनी, ग्रैब, ग्रैब मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना है, इसको उल्टा, वेल डन भाई, सी, रिलीज, छोड़ देना किसी चीज़ को, ग्रैब का उलट, ये आसान है, एंटाइटल, एंटाइटल का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ को देना या किसी को ओहदा देना,
एंड टाइटल, इसका उल्टा क्या हो सकता है? यस, फॉरबिट, किसी से उसको मना कर देना किसी चीज़ से, एंड टाइटल मतलब इजाज़त देना, फॉरबिट मना कर देना। बाकी परमिट, डेसिग्नेट, एम्पावर का मतलब भी किसी को पावर देना या किसी को ओहदा देना, तो इसका मतलब है फॉरबिट मतलब रोकना किसी चीज़ से। रिट्रीव, रिट्रीव हासिल करना, या इसका हो जाएगा बी लॉस, खो देना। रिट्रीव का उल्टा लॉस, रिट्रीव हासिल करना, लॉस खो देना। ये सारे एंटोनियम्स ही चल रहे हैं, बहुत सारे पास पेपर से मिलाकर मैंने बनाए 3 सालों के, तो वो एक साथ है, एयर नहीं मेंशन कर रहा मैं, बट वो मैं, और वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है ना, तो उसका PDF मैं शेयर भी नहीं कर रहा, मतलब चूँकि बड़े मुश्किल से हाथ लगते हैं आगे पीछे से, तो वो मना होता है कि यू का जो पास पेपर लीक करना ना, तो इसलिए मैं उसको PDF फॉर्मेट में देता नहीं हूँ नॉर्मली, मतलब YouTube पे नहीं दूंगा, बाकी आप ग्रुप पे मांगोगे तो वो दे दूंगा, वो अलग चीज़ है, वरना YouTube पे डिस्क्रिप्शन पे नहीं डालना मैं इसकी, ठीक है? क्योंकि वो बड़े बच्चे चाहते हैं कहीं से मिल जाए ये क्वेश्चंस वगैरह, या पता तो लगे पेपर आते कैसे हैं, लेकिन आपको पता है NET वगैरह की तरह इसके पास पेपर नहीं निकलते कि यू के उस तरह से। डेस्टिनेशन, इसका डेस्टिनेशन का उल्टा बताना है, डेस्टिनेशन मंजिल, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन का मतलब भी मुतरादिफ है, बट इसका परफेक्ट आंसर मुझे लगता है सी है, वेरिएशन। डेस्टिनेशन मतलब डेस्क किसी तरह मंजिल की तरफ जाना, और वेरिएशन मतलब मंजिल से हट जाना, वेरी हो जाना, तो डेस्टिनेशन और वेरिएशन तो डायरेक्ट अपोजिट्स है, डेस्टिनेशन मंजिल, और वेरिएशन मतलब मंजिल से हट जाना, दूर हो जाना, वेरी करना, ठीक, रुक जाए पीछे करूँ, ठीक है। डिटर्मिनेशन अज़म, अल्टरनेशन तब्दीली, परफेक्शन मतलब मुकम्मल होना किसी चीज़ का, यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुज़फ़्फ़र ने भी यही कहा अभी कि सर ये अल्टरनेशन, मैं डायरेक्ट अपोजिट की तरफ आ रहा हूँ कि डेस्टिनेशन मंजिल, और अल्टरनेट वे जब आप अपनाते हैं तो जाते हैं आप मंजिल की तरफ ही हैं। मिसाल के तौर पर आप रोड जा रहे हैं, अगर आपको जाना है मिसाल के रोड के थ्रू आपको जाना है, लेट्स अलादीन पार्क आपको जाना है और नीपा चौरंगी बंद है, तो आपसे कहा जाता है अल्टरनेट रूट अपना लें, लेकिन डेस्टिनेशन में तो पहुँच ही जाते हैं ना उससे भी, बट अगर वेरिएशन कर दिया जाए तब डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुँच सकेंगे, तो वेरी हो गया ना फिर, आप तो आप उस रास्ते तक जा ही नहीं सकते, तो वेरिएशन इसका अपोजिट है बिल्कुल, अल्टरनेशन तो एक दूसरा रास्ता है उस तक पहुँचने का, अल्टरनेट, समझ गए, अल्टरनेट वे होता है ना भाई रास्ता, दूसरा मुतबादिल रास्ता है जिसको उर्दू में लिखते हैं मुतबादिल। परफेक्शन मतलब बिल्कुल परफेक्शन, डेस्टिनेशन में ही आ गया वो मुकम्मल, मतलब डायरेक्ट अपोजिट्स तो नहीं आ रहे, भले मीनिंग्स चेंज हो रही है, डायरेक्ट अपोजिट वेरिएशन के अंदर इसमें आ रहा है, डायरेक्ट अपोजिट हम चेक कर रहे होते हैं, क्या पता बाकी मीनिंग्स से मैच ना करें, बट हम अपोजिट ढूंढते हैं डायरेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है एंटोनियम्स के अंदर कि जो वर्ड होता है उसका सेंटेंस से ताल्लुक ही कोई नहीं होता, हम उसको छोड़ देते हैं। प्रेसिशन, इसका बताएं, अपोजिट बतानी है, वेगनेस, वेगनेस मतलब कि प्रेसिशन किसे कहते हैं, एक चीज़ देख लो, व्हाट इज प्रेसिशन, प्रेसिशन मतलब होता है किसी चीज़ का बिल्कुल ठीक होना, किसी चीज़ का प्रेसाइज होना, प्रेसाइसली डिस्क्राइब्ड होना, किसी चीज़ का बिल्कुल ठीक होना उसको प्रेसाइज बना देता है प्रेसिशन। अब इसके अलावा इसका उलट क्या हो जाएगा, जिसमें गलतियाँ हों, वेगनेस, कुछ इस वेगनेस है तो उसके अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, गलतियाँ हैं, तो वेगनेस। एक्यूरेसी मतलब ठीक होना, एग्जैक्टनेस मतलब भी ठीक होना, मेटिकुलस का मतलब भी मेरिट पर होना, मतलब काबिल होना उसमें चीज़ों का ठीक होना, मेटिकुलस, ठीक है। तो बस ये वेगनेस है जिसका मतलब होता है गलतियाँ होना या गलती से भरा होना, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, ये ख़त्म हो गया, एंटोनियम्स काफ़ी सारे कर लिए, अब आते हैं हम ब्लैंक्स के अंदर, ब्लैंक्स चेक करते हैं कैसे फील हो रहे हैं। नो डाउट दिस विल मेक अ फ्यू बिलियनर्स इवन डैश, मोर वेल्दी इज नॉट द सुपर कंपैरेटिव डिग्री, वेल्दियर, वेल्दियर, नो डाउट दिस विल मेक अ फ्यू बिलियनर्स इवन वेल्दियर्स, कि वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दियस्ट, मोर वेल्दी और मोस्ट वेल्दी नहीं होता, आपने गलत कंपैरेटिव डिग्री पकड़ा है। कोई शक नहीं है कि इससे कुछ और, कुछ बिलियनर और ज़्यादा दौलतमंद हो जाएंगे, तो मोर वेल्दियर, तो वेल्दी नहीं हो सकता, ठीक है, इवन वेल्दियर्स, क्योंकि बिलियनर तो पहले ही वेल्दी हैं तो वे वेल्दियर होंगे, ठीक है, मोर वेल्दी नहीं हो सकता, मोर वेल्दी इज़ नॉट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वेल्दी,
वेल्दियर हो गए यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा दौलतमंद होना, थोड़ा सोच के बताएं, जरूरी जल्दी आप बिल्कुल बोलें। देयर वॉज अ गार्ड विद अ डार्ट गन हाइडिंग डैश, हाइडिंग के बाद डैश लगा हुआ, एक गार्ड था जिसने डार्ट गन को पीछे छुपाया हुआ था। हाइडिंग तो देखो बिसाइड्स बराबर में तो नहीं छुपा सकते, अलॉन्ग साइड मतलब पहलू में, आउटसाइड द डोर भी नहीं हो सकता, इनसाइड द डोर छुपा सकते हैं, तो बिहाइंड हो सकता है, बी हाइडिंग बिहाइंड होता है ना, पीछे छुपाना, तो उसने एक डार्ट पीछे छुपाया हुआ था, डार्ट गन। इट हैज बीन प्रूवन दैट कॉकरोचेस डैश फॉर सेवरल वीक्स इवन आफ्टर देयर हेड्स हैव बीन कट ऑफ, कहा जाता है कि कॉकरोच हफ्तों तक सर्वाइव कर सकते हैं अपने सर काटने के बाद भी, बी होगा, कॉकरोचेस कैन सर्वाइव फॉर सेवरल वीक्स, वो जिंदा रह सकते हैं हफ्तों तक उनका सर काट दिया जाए उसके बाद भी, तो कैन सर्वाइव भी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ई तक भी ऑप्शंस आते हैं कि यू में भाई, तो देख रहे हैं ए बी सी डी ई, तो यहाँ कैन सर्वाइव होगा। ही वॉज डैश सक्सेस, ये मुश्किल है, ही वॉज डैश सक्सेस राइटिंग नॉट फॉर द सेक ऑफ फेम बट फॉर द शेयर लव ऑफ पोइट्री, क्या सी बोल रहे हो और कोई, ईगर ही कह रहा हूँ, डी टाइट बाय, मैंने बोला मुश्किल है तो आप लोग लास्ट में गलती करते हो उसको, अब मैं समझा रहा हूँ कैसे, ए ही वॉज डैश सक्सेस राइटिंग नॉट फॉर द सेक ऑफ फेम बट फॉर द शियर लव ऑफ पोइट्री, वो सक्सेस से इनडिफरेंट है, वो कामयाबी से उसको को इनडिफरेंट मतलब कोई फ़र्क ना पड़ा, जिसको जिसको कोई फ़र्क ना पड़े वो इनडिफरेंट होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कामयाबी से, वो मशहूरियत के लिए नहीं लिख रहा बल्कि वो शेयर लव ऑफ पोइट्री, उसको जो शायरी से मोहब्बत है उसके लिए वो लिख रहा है, तो उसको सक्सेस से फ़र्क नहीं पड़ता। अब डेस्टाइन फॉर मतलब तो फ़र्क कि वो सक्सेस चाहता है, सक्सेस उसकी मंजिल है, ये तो हो ही नहीं सकता था आगे के वर्ड्स के मुताबिक, ईगर फॉर चाहता ही नहीं है, तो चाहता है तो उसको फिर वो मशहूरियत के लिए क्यों नहीं लिख रहा, कामयाबी के साथ तो मशहूरियत दोनों आती है साथ में, टाइड बाय सक्सेस भी नहीं हो सकता चूँकि वो तो उसने कभी भी चाहा ही नहीं अपनी कामयाबी के बारे में, चांड बाय भी नहीं हो सकता, चांड बाय मतलब मुतासिर होना, वो सक्सेस से मुतासिर भी नहीं है, बल्कि उसको वो फ़र्क ही नहीं पड़ता सक्सेस से चूँकि वो मशहूरियत के लिए नहीं लिख रहा बल्कि वो मोहब्बत जो उसको शायरी से उसके लिए लिख रहा है, तो इनडिफरेंट टू, कोई फ़र्क ना पड़ रहा उसको, इसलिए बोलो थोड़ा सा सोचा करो आगे के सेंटेंस में, लग तो सारे ही सही रहे ग्रामेटिकली, 9-10 के जुमले तो है नहीं, 9-10 में तो पेपर दे नहीं रहे कि कुछ भी लगा दिया, एक सही होगा बाकी सारा बिल्कुल गलत होगा, इसमें सारे भी सही लग सकते हैं, जुमले को देखकर अंदाज़ा होता है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वही सिखाता हूँ मैं क्लास में, मतलब इतनी इंग्लिश तो आपको आती है कि मतलब क्या निकल जाए। आई डैश यू दैट यू शैल विन टुडेज़ कंपटीशन, जल्दी नहीं कर रहा, सारे सही है, एश्योर, एश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज का तुम कंपटीशन जीत जाओगे, गारंटी नहीं हो सकता, गारंटी इज जस्ट फॉर अ थिंग, यू कैन नेवर गिव अ गारंटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, गारंटी किसी शख्स की नहीं होती, गारंटी सामान की होती है, ये फ्रिज की गारंटी है, इंसान की गारंटी नहीं है, तो आई गारंटी यू नहीं हो सकता। एनश्योर, एनश्योर और अश्योर में थोड़ा सा फ़र्क है, वारंटी इज ऑल्सो फॉर अ थिंग, वारंटी इज ऑल्सो नॉट फॉर अ पर्सन, ठीक है, वारंट होता है इंसान को लेने वाला, वारंटी नहीं हो सकती। अच्छा एनश्योर और एश्योर में क्या फ़र्क है, यस एनश्योर एंड गारंटी आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर, दे बोथ आर सेम थिंग्स, डिक्लाइन मतलब होता है कि रद्द कर देना, तो रद्द तो नहीं कर सकता था ना कि वो आज का कंपटीशन, तो मैं उसको यकीन दिलाया, आई एश्योर यू दैट यू शैल विन टुडेज कंपटीशन, तो ये वर्ड्स गारंटी एनश्योर या डिक्लाइन यहाँ पर नहीं आएगा, एश्योर आएगा, एश्योर मतलब यकीन दिलाना, हमेशा हम सामने वाले को एश्योर करते हैं, यकीन दिलाते हैं, एनश्योर नहीं करते हैं, ठीक है, तो हाँ उसको गारंटी हम देते हैं, अगर किस इंसान से बात करनी हो तो। द विंडोज आर बेयर बिकॉज आई डैश लाइक कर्टेंस, खिड़कियाँ खुली हैं चूँकि मुझे पर्दे पसंद नहीं है, यस बिकॉज आई डोंट लाइक कर्टेंस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल का जुमला है ये, आई डोंट लाइक कर्टेंस दैट्स वाई द विंडोज आर बेयर ओपन, हाउ डैश मनी, बड़ा सिंपल है यार, हाउ मच मनी डू यू हैव,
मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल से पहले मच आएगा। हाउ मच मनी डू यू हैव, कितने पैसे तुम्हारे पास हैं। डिड यू डैश द वर्ड एसे इन वर्ड, एसे इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्सेजियम। डिड यू, बड़ा सिंपल है यार, पास सिंपल है। डिड यू, नो, फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आ गया, इंटरगेटिव आ गया, तो पास इन एफ्री टेंस है ना, उसमें लिखा हुआ है। डिड यू नो दैट द वर्ड एसे इन द वर्ड एसे इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्सेजियम, ठीक है। द आइडिया डैश मैचेस द रियलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, नो लॉन्गर मैचेस, ठीक है ना, नो लॉन्गर यू आर माई फ्रेंड, बड़ा सिंपल है, नो लॉन्गर यूज कर रहे होते हैं। वेयर डिड यू डैश लास्ट ईयर समर, गॉन, विजिटेड, विजिट, यस, वेयर डिड यू विजिट लास्ट समर, सो गॉन थर्ड फॉर्म, विजिटेड सेकेंड थर्ड फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव इंटरोगेटिव लगा हुआ, तो डिड के जब भी आते तो वो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ सिर्फ विजिट ही है। एजुकेशन मस्ट फोकस डैश हेल्पिंग स्टूडेंट्स गेन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इनोवेशन स्किल्स, फोकस के साथ क्या आता है, फोकस ऑन, फोकस इन टू, फोकसिंग, फोकस टू, ए होगा फोकस ऑन, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, इस तरह कहते हैं ना, फोकस के साथ ऑन आएगा।